হস হস active active 1 minute ago it means I know he's not active hi go live so Harsh has come hello everybody namaste waiting for Harsh so into our this series so far we have discussed and got information about different aspects of cater today we are going to join Harsh Gupta he is a cinematographer and pass out from film and television institute of india pune so you guys can ask all the questions related to FTII to Harsh what happened Harsh you waved Harsh joined yes what's okay. Yeah are you sure you want to end the student video now yes sir Harsh yes hello Rohit hello Parul hello hi Harsh how are you hi hello I'm good I'm fine aap bataiye kaise hain mast chal raha hai abhi dheere dheere join ho rahe hain hamare yahan pe sab to ji hai na to kaisa raha aaj ka aapka din चल रहा है अब तो आदत हो गई है इस तरह से रहने की तो अब अपने खुद के रूटीन अब क्वारंटाइन के रूटीन बना लिए हम लोगों ने कि क्या करना है सुबह से लेकर रात तक में थोड़ी बहुत अपनी एक्सरसाइजेज एंड थोड़े बहुत अपना जो भी पढ़ना लिखना फिल्म देखना तो अपने लेवल पे जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं देखते हैं अभी कब तक चलता है really but मतलब काम एकदम से बिल्कुल इंडस्ट्री तो पूरी बंदी पड़ी हुई है जी 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 बिल्कुल पूरी तरह से बंद है सबसे पहले बंद होने क्योंकि आप लोगों का तो हो नहीं सकता ना बिना लोगों के आपकी तो टीम विम भी काफी होती है ना हर टीम पे टेक्निकल टीम अलग होती है परफॉर्मर्स अलग होते हैं तो आपसे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है ये सबके लिए प्रॉब्लम है आर्टिस्ट के लिए भी है और जो उनके साथ लेबर भी जुड़ी हुई है सभी के लिए प्रॉब्लम का टाइम है देखा जाए हम थिएटर वालों का के लिए भी है ये नो डाउट बट आप लोगों का ज्यादा ब्रॉडर उसमें आ जाता है ना ये सीन है खैर हम लोग का ये है कि सबसे पहले बंद होने वाली इंडस्ट्रीज में से एक फिल्म इंडस्ट्री ही थी और सबसे पहले कॉल लिया लोगों ने कि हाँ ठीक है हमें पर्सनल लेवल पे लोगों ने कॉल लिया कि हमें बंद कर देना चाहिए काम और फिर तो बाद में गवर्नमेंट का भी डायरेक्टिव आ ही गया था एंड देखते हैं हम शायद सबसे लास्ट में शुरू होने वाले कामों में से एक हमारा होगा तो हर्ष हम शुरू करते हैं कुछ लोग जुड़ गए हैं कुछ धीरे धीरे जुड़ेंगे है ना जी. तो अपने पास की ये इंस्टा भी बहुत लिमिटेड टाइम देता है ओके अच्छा तो हर्ष FTII बैक टू सिनेमेटोग्राफी कैसे पहले इसमें क्या था आपका अपना पहला बैकग्राउंड क्या था आर्ट की लाइन से हैं या मतलब किस तरीके से हैं व्हाट इज योर फॉर्मल एजुकेशन पहले जो जॉइनिंग एफटीआई ओके तो सबसे पहले तो मैं अपना बैकग्राउंड बता देता हूं कि अक्सर आप लोगों ने लोगों को सुना होगा इंटरव्यूज में कहते हैं कि उनका कोई भी कनेक्शन नहीं था फिल्म से या इस तरफ इंडस्ट्री में आर्ट से मेरे साथ ये बिल्कुल 110% ट्रू है मेरा पूरे एक्सटेंडेड फैमिली में दूर दूर तक किसी का आर्ट से इवन लिटरेचर या परफॉर्मिंग आर्ट पेंटिंग फाइन आर्ट किसी से कोई लेना देना नहीं है दूर दूर तक
फिर भी मुझे था हमेशा से, बचपन से ही था, एक आर्ट के तरफ, एक मेरा एप्टीट्यूड आर्ट की तरफ था और एक स्पेशली फिल्म्स की तरफ, और एक दूसरी तरफ मेरा साइंटिफिक एक एप्टीट्यूड भी था। तो बीच में कई कुछ साल तक मेरा वो था, एक डायलेमा था कि मुझे किस तरह क्या परस्यू करना, लेकिन मैंने फाइनली हिम्मत करके ये डिसाइड किया कि चलो फिल्म्स ही परस्यू करते हैं, क्योंकि फिर एक पॉइंट पे साइंस थोड़ा सा ऊपर जा रहा था, तो ये लगा कि चलो ठीक है, इसमें ज्यादा मन भी लगता है तो यही करते हैं। और रही बात फिल्म्स में स्पेसिफिकली क्या करना है या आर्ट में स्पेसिफिकली क्या करना है, मुझे ये एक्टिंग ही करनी है या डायरेक्शन ही करना है, तो वो मेरा हमेशा से कंफ्यूजन है, अभी भी है, मुझे नहीं पता, अभी भी मुझे नहीं पता कि मुझे एग्जैक्टली क्या करना है। पर मुझे लगता है वो ठीक भी है, क्योंकि हम लोग ऐसे भी बहुत लोगों को देखते हैं, देखते हुए आ रहे हैं कि जो एक्टर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, और म्यूजिक भी बनाते हैं, गाना भी गाते हैं, तो ठीक है, मुझे लगता है ये भी ठीक है, अगर आप बहुत कुछ कर सकते हैं तो करना चाहिए। तो डेफिनेटली। और जैसे कि मुझे पता है कि आपका तो थिएटर का भी बैकग्राउंड रहा है जी ना, जी हाँ, थिएटर मैं से उस पर ही आ रहा शुरुआत हूँ जी, तो मैं उस पर आ रहा हूँ। मैं जी जी तो मैं मेरा जन्म बनारस में हुआ है, आई एम फ्रॉम वाराणसी, और मैं स्कूलिंग मेरी वहीं से हुई, ग्रेजुएशन भी मैंने वहीं से किया, वहीं एक यूनिवर्सिटी से किया मैंने, बैचलर्स इन मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म किया मैंने, एंड आई वाज दी गोल्ड मेडलिस्ट देयर, यूनिवर्सिटी टॉपर इन दैट। एंड फ्रॉम देयर उस ग्रेजुएशन के टाइम पे ही आफ्टर स्कूल मैंने थिएटर करना शुरू कर दिया था, बिकॉज समवेयर आई हैड दिस आइडिया कि दी बेसिक्स ऑफ ऑल दी परफॉर्मिंग आर्ट्स अगर आपको सीखना है, समझना है, तो थिएटर इज दी फाउंडेशन कोर्स ऑफ ऑल दैट। अगर आपको कोई भी परफॉर्मिंग आर्ट्स अच्छे से समझना है, सिनेमा का भी ओरिजिन थिएटर से ही है, तो एग्जैक्ट आपको सिनेमा का भी अगर बेसिक समझना है तो थिएटर इज अ मस्ट। एंड बहुत सी चीजें तो बाद में समझ में आई, जो थिएटर करने का जो एक फायदा आपको लाइफ में समझ में आता है वो तो बाद में समझ में आई, उस समय तो सिर्फ सीखने का पर्पस था। खैर फिर आगे बढ़ते हैं, तो मैंने कंटिन्यूअसली 3 4 साल 4 साल तो मैंने कंटिन्यूअस थिएटर किया वहां पे, और बीच बीच में जब भी मौका मिलता था करता रहता था। तो 4 साल थिएटर किया मैंने, ग्रेजुएशन भी साथ में कंप्लीट किया, एंड आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने FTI में अप्लाई किया, और उस समय वहां पे स्ट्राइक चल रही थी, तो 1 साल तक कुछ हो नहीं पाया वहां पे, प्रोसेस रुक गया था एडमिशन का। सो आफ्टर दैट मेरा FTI में एडमिशन हो गया, कैमरा कोर्स में हो गया, जो मैंने दो चीजों में अप्लाई किया था, डायरेक्शन में और कैमरा में, तो मुझे डायरेक्शन में नहीं मिला, कैमरा में मिला, तो मैंने उसको भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है जो भी मिल रहा है अभी ले लो, और हमें तो सीखने से मतलब है, सिनेमा का जो आर्ट फॉर्म है वो सीखना है, तो चाहे कैसे भी मिल जाए सीखने को सीख लो। तो 1 साल मेरा वहां पे FTI में मैंने 1 साल का कोर्स किया सिनेमाटोग्राफी में, और उसके बाद वहां से कोर्स कंप्लीट करने के बाद आई शिफ्टेड टू मुंबई, तो मैं अभी आपसे और आप सबसे मुंबई से मुखातिब हो रहा हूँ। तो वहां पर आपका जो सिनेमाटोग्राफी का ये कोर्स था, इसके अंदर आपका एक्टिंग वगैरह दूसरे आर्ट फॉर्म्स का भी होता है इनिशियली, या बिल्कुल ही टोटली सिनेमाटोग्राफी मतलब वही होता नहीं, वहां पे क्या होता है सिनेमस में, कि मतलब कैसे होता है? हाँ, तो वहां पे ये होता है कि कोर्सेज जो अलग अलग डिवाइडेड हैं, एक्टिंग है, डायरेक्शन है, सिनेमाटोग्राफी है, साउंड डिजाइन है, साउंड रिकॉर्डिंग है, साउंड डिजाइनिंग है, एडिटिंग है, आर्ट डायरेक्शन है, तो ये सब जो कोर्सेज हैं ये सब अलग अलग तो पढ़ाए जाते हैं, लेकिन इनका जो बेस होता है, जब स्टूडेंट्स नए नए आते हैं वहां पे इंस्टीट्यूट में, तो सबको सब कुछ पढ़ना पड़ता है, मतलब एक साउंड डिजाइनिंग पढ़ने वाला स्टूडेंट को कैमरा भी पढ़ना पड़ता है, उसको डायरेक्शन का भी कुछ कुछ पढ़ना पड़ता है, स्टोरी राइटिंग वगैरह का भी उसको टास्क मिलता है, तो बेसिक जो एक फाउंडेशन होता है वो सबके लिए सेम होता है, ताकि सब लोग सब कुछ एक्सपीरियंस कर लें और फिर दूसरों को भी आगे चल के दूसरों को समझ सकें कि अगर मैं एक डायरेक्टर हूं तो मैं कैमरा
मैन को समझ सकूं कि उसको क्या प्रॉब्लम आती होगी, राइट? और अगर मैं कैमरामैन हूं तो मैं साउंड वाले को समझ सकूं कि उसको क्या प्रॉब्लम आती होगी. तो इस तरह से सबका एक बेसिक हर फील्ड का एक नॉलेज हम लोग को पहले दिया जाता है. हम लोग का क्योंकि 1 साल का कोर्स होता है तो हम लोग को सब कुछ जल्दी जल्दी करना पड़ता है. हमारे कोर्स में सब कुछ जल्दी जल्दी बताया जाता है. तो हमारा ये कॉमन जो फेज है वो भी छोटा होता है. जो 3 ईयर कोर्सेज हैं, जो 3 साल तक जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका ये फेज थोड़ा लंबा होता है. उनका 3 महीने का ये फेज होता है जिसमें और डिटेल में उनको सब कुछ करना पड़ता है. तो उसमें जो एक्टिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको भी कैमरा बताया जाता है, समझाया जाता है, कैमरा के बेसिक्स उनको बताए जाते हैं. उनको भी कैमरा रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, साउंड रिलेटेड एक्सरसाइजेस दी जाती हैं, ताकि वो फिल्म का जो टेक्निकलिटीज है उनको समझ सके. और इसी तरह से बाकी डिपार्टमेंट्स को भी टास्क दिया जाता है, छोटे छोटे टास्क मिलते हैं जिसमें अल्टीमेटली सबको किसी ना किसी को एक्टिंग करनी ही पड़ती है. और एक्टिंग के हाँ तो मतलब एक दूसरे का अगर 4 लोग की टीम है और आपको एक फिल्म बनानी है आपस में, तो किसी ना किसी को तो उसमें एक्टिंग करनी पड़ेगी या किसी को लाना पड़ेगा बाहर से. तो एक अनसेड तरीके से आपको उसका भी एक आइडिया हो जाता है. अगर किसी को बिल्कुल ही आइडिया नहीं है एकदम एक्टिंग का या जो लेस टेक्निकल चीजें हैं उनका अगर बिल्कुल ही आइडिया नहीं है, तो वो ये सब एक्सरसाइजेस वगैरह करके या कॉमन फेज में आके उसको समझ में आ जाता है कि हाँ क्या दिक्कतें आती होंगी या क्या माइन्यूट डिटेल्स होती हैं एक एक्टर के लिए या एक डायरेक्टर के लिए. ओके, मतलब सब चीजों का ओवरऑल एक मिक्स आपके करिकुलम में रहता ही है हाँ, शॉर्ट में सब सबको सब कुछ बता देते हैं और फिर आपको कुछ. अपने अपने फील्ड में छोड़ दिया जाता है. अच्छा, तो एक एक्टर के लिए कैमरा की नॉलेज कितनी जरूरी है आपके हिसाब से, क्योंकि उसने तो परफॉर्म ही करना है, तो उसने जब परफॉर्म ही करना है तो ये कैमरामैन की ड्यूटी नहीं है कि वो फोकस कर ले और वो अपने हिसाब से उसको शूट करता रहे. नहीं, ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं है. क्योंकि हाँ क्या है कि ये सब फिल्म कोई भी आर्ट फॉर्म हो जिसमें मल्टीपल लोग इन्वॉल्व हैं, थिएटर ही हो, चाहे अगर अगर थिएटर में हम सिर्फ एक मोनो एक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, तो अगर उसमें एक टीम इन्वॉल्व है तो ये सब. और फिल्म मेकिंग तो हाँ स्पेशली एक कोलैबोरेटिव आर्ट है, तो बिना एक के दूसरा कुछ नहीं कर सकता या एक को कोई फॉलो नहीं कर सकता कि ठीक है मैं कर रहा हूँ, जो करूंगा वो तुम लोग बस देखो और उसको रिकॉर्ड कर लो, तो ऐसा नहीं होता. तो इसीलिए थिएटर एंड फिल्म एक्टिंग एक दोनों डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं. आपको एनएसडी में थिएटर की एक्टिंग सिखाई जाती है और एफटीआई में फिल्म की एक्टिंग बताई जाती है. इसका डिवीजन ही इसीलिए क्योंकि वो दोनों डिफरेंट बिल्कुल ही डिफरेंट जोन्स हैं ऑफ एक्टिंग. आप थिएटर में जी आप थिएटर में जब करते हो परफॉर्म तो यू हैव दिस होल स्पेस, आपके पास एक बड़ा सा स्पेस होता है जिसमें आप अपने बॉडी के जेस्चर से या वॉइस के थ्रू आपके पास स्कोप ज्यादा होता है अपनी बात को एक्सप्रेस करने का. व्हेन यू कम टू फिल्म एक्टिंग तो आपके पास जो स्पेस होता है वो एक फ्रेम का हो जाता है. सिर्फ एक जो फ्रेम होता है जिसमें हम चीजें देखते हैं, एक फिल्म देखते हैं, सिर्फ उतना ही फ्रेम होता है. अब बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपके टेक्निकलिटीज, कैमरा के टेक्निकलिटीज पे भी बहुत कुछ डिपेंड करता है. आपके शॉट टेकिंग पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि एक एक्टर को कैसे परफॉर्म करना है. और इसकी समझ बहुत जरूरी है एक्टर को, कि अगर एक लेंसेज की समझ बहुत जरूरी है कि कौन सा लेंस में मैं कैसा दिखूंगा या मुझे कितना परफॉर्म करना है अकॉर्डिंग टू अ लेंस. अगर एक वाइड एंगल लेंस है तो मुझे मेरी बॉडी कितनी दिख रही है, मुझे कितना उसमें मूवमेंट मैं कर सकता हूँ, मेरा स्पेस क्या है एक्टिंग, मेरा मूवमेंट का स्पेस क्या है, मेरे हाथ पैर हिलाने का स्पेस क्या है, मेरे सर के ऊपर कितना स्पेस है. तो ये सब एक एक्टर को जानना पड़ता है. तो यूजुअली विथ एक्सपीरियंस तो उनको लेंस का नंबर बता के वो समझ में आ जाता है एक्टर को. अच्छा 24 mm लेंस है तो ठीक है, मतलब वाइड है, इतने दूर कैमरा है तो मतलब इतना इतना सब कुछ आ रहा है, मतलब मुझे पूरा छूट है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. फिर क्लोज अगर कोई क्लोजअप लेंस है, जूम लेंस है, तो उस अगर एक एक्सपीरियंस एक्टर है उसको पता होगा कि अच्छा ये क्लोजअप लेंस है और इतने पास में कैमरा रखा हुआ है तो मतलब सिर्फ मेरी आंखें दिख रही हैं, मतलब मुझे सिर्फ आंखों से परफॉर्म करना है.
तो ये सब चीजें तो खैर डायरेक्टर भी बताते हैं आपको कि ठीक है इतनी ये शॉट है, आपको बस ये करना है ये करना है, लेकिन उसकी समझ होनी जरूरी है ताकि आप उसको विजुअलाइज कर सकें कि वो कैसा दिखेगा। अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैं जो मैं शूट हो रहा है वो आप इमेजिन ही नहीं कर पा रहे हो कि वो दिखेगा कैसा स्क्रीन पे, तो यस अपने आप को गाइड करना थोड़ा सा, एक डायरेक्शन देना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी हाँ समझ रखने के लिए, उसको ही समझने के लिए ये फिल्म एक्टिंग पढ़ना पड़ता है। ओके अच्छा। और जैसे इसमें है, जैसे हमारे थिएटर में भी होता है कि एक एक्टर को ये मालूम होना चाहिए, लाइट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उसको सेट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, मींस दिस इज द सेम थिंग ओवर देयर, मतलब कोई डिफरेंस नहीं, मतलब आपको ये भी स्टडी करके रखनी पड़ती है। हाँ हाँ ओके ये भी बिल्कुल, सही जैसे आप है ना। अच्छा थिएटर में, आपको जी, नहीं, आप बोलो फिर मेरे पास, हाँ तो मैं मैं अपने सवाल पूछती हूँ। जी और मतलब मैं यही मैं कह रहा था सबसे कि रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज अपने सवाल इसके ऊपर डालते जाइए, तो दैट मैं पूछूंगी। हाँ बताइए। तो हाँ मैं वही कह रहा था कि जिस तरह से कि हमें थिएटर में हर डिपार्टमेंट का थोड़ा थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, लाइट का भी और म्यूजिक का भी, साउंड का भी, और थिएटर तो डिमांड करता है कि आपको ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज आप कर ही नहीं पाओगे। अगर आप सिर्फ सोच के आओ कि मैं बस परफॉर्म करूंगा, एक्टिंग करूंगा, तो वो तो थिएटर करने ही नहीं देता, वहां तो अलाउड ही नहीं है, तो वो तो बिल्कुल ही अलग, जी वो तो अलग ही है। तो वहां तो आपको सीखना ही पड़ेगा, आप कितना भी सोच के बैठो कि नहीं नहीं मैं तो नहीं करूंगा, मैं तो एक्टिंग करूंगा और एक्टिंग ही करूंगा, तो वो नहीं हो पाएगा। और फिल्म में आपको अगर आप और फिल्म में अगर आप ये चीजें समझ लें, ऑलरेडी खुद से समझ के आए हैं, तो ज्यादा वो अगर आप खुद से समझ के आए पहले से, तो आपको ज्यादा मदद मिलेगी, लोग आपको थोड़ा सा समझेंगे कि हाँ इसको आता है, इसको पता है। अदरवाइज आपके पास वो वाला ऑप्शन तो है ही कि आप कर करके सीखो, विच इज ऑल्सो राइट, उसमें भी कोई बुराई नहीं है। तो उसे बट एफटीआई वाले इतना तो तैयार कर ही देते हैं उस हिसाब से, वो हाँ लोग मतलब ये तो मतलब दे जी, टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि भाई हाँ वो उन्होंने अपने करिकुलम में ये डाल रखा है। अच्छा अब हर्ष, आप क्योंकि आप थिएटर से हो, आपने 4 साल थिएटर में लगाए, उसके बाद आपने फिल्म का रुख किया, तो आपको थिएटर से कितनी हेल्प मिली, और फिर आपने जब थिएटर करते हुए आपको कब महसूस हुआ कि आपको फिल्म में ही जाना है, और फिल्म में भी टेक्निकल में ही जाना है, बिकॉज यू एक्टेड इन सेवरल प्लेज, और जहां तक मुझे पता है कि आपने काफी फिल्म्स भी की हुई हैं, कई कुछ सीरियल्स में भी काम किया हुआ है, कुछ मूवीज में भी काम किया हुआ है, तो आपको ये कब लगा कि ये सर आप तो वो बिहाइंड द कैमरा। ओके पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि मैं थिएटर से फिल्म में गया तो हूँ प्रैक्टिकली, लेकिन मैं थिएटर में आया था फिल्म्स की वजह से। मेरा पहला प्यार फिल्म से ही था, फिल्म्स को समझने के लिए या फिल्म्स की तरफ जाने के लिए मैं पहले थिएटर में आया था, क्योंकि वहां पे जहाँ से मैं हूँ वहां पे कोई फिल्म का तो कोई सीन है नहीं, वहां पे कोई फिल्म वगैरह नहीं बनती, तो वहां पे थिएटर होता था जी, तो वहां पे थिएटर होता था, तो मैंने थिएटर कर लिया। तो आपका जो सवाल है कि कैसे मैं इधर से इधर आया, तो मुझे फिल्म में ही हमेशा से क्यूरियोसिटी थी, एंड आफ्टर वर्किंग इन सम शॉर्ट फिल्म्स एंड आई हैव आल्सो असिस्टेड एज एन असिस्टेड इन द डायरेक्शन डिपार्टमेंट। मैंने एक असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे एक फिल्म में काम किया था जिसकी शूटिंग बनारस में हुई थी, विच इज गोइंग टू रिलीज ऑन दिस फ्राइडे 22 मई, धूमकेतु उसका नाम है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी उसमें लीड एक्टर। तो ये 2013 में मैंने वहां पे शूट किया था बनारस में, तो उस टीम में मैं था। तो वहां उस सेट पे जाने के बाद जब मैं फिल्म सेट पे गया और मुझे चीजें दिखी कि ओके इतने डिपार्टमेंट्स होते हैं, ये होता है वो होता है, एक एक डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ शूटिंग इक्विपमेंट्स हैंडल करता है, और एक डिपार्टमेंट होता है जो सिर्फ कैमरा के इक्विपमेंट्स हैंडल करता है, कैमरामैन तो अलग है, एक डिपार्टमेंट है जो सिर्फ कैमरा के इक्विपमेंट्स हैंडल करता है। तो ये सब मुझे दिखा जब वहां पे जाके ये एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे बहुत क्यूरियोसिटी जो मेरी ऑलरेडी थी फिल्म्स को लेके कि फिल्म बनती कैसे है, उसके पीछे का प्रोसेस क्या है,
ये शॉट कैसे लेते हैं, वो शॉट कैसे लेते हैं, और सबसे बड़ा मेरा ये क्वेश्चन था कि आप डिसाइड कैसे करते हो, कोई फिल्म डायरेक्टर या कैमरामैन तो डिसाइड कैसे करता है कि मुझे ये जो बात है ये सीन मुझे ऐसे शूट करना है या मुझे यही शॉट लगाना है। तो वो चीज़ मुझे, ये सब मुझे समझना था, सीखना था, तो मैं क्यूरियोसिटी के पीछे ही अपने को परस्यू करता रहा, अपनी क्यूरियोसिटी को परस्यू करता रहा, और वो परस्यू करते करते मैं इधर आ गया हूँ, कभी मैं ये करने लगता हूँ, कभी वो करने लगता हूँ, तो वो सब सिर्फ सीखने के लिए। और ये तो ये मैंने अपने FTI के इंटरव्यू में भी बोला था, जिसकी वजह से मुझे बहुत कम नंबर मिले थे वहां पे, कि आप मुझे किसी भी डिपार्टमेंट में डाल दो, मुझे तो बस फिल्म मेकिंग सीखनी है और उससे ही मुझे मतलब है। तो मेरा वो पर्पस पूरा हो गया वहां पे जाके। और भी बहुत सी चीजें हैं, जैसे आपने थिएटर का यूज पूछा मुझसे कि क्या फायदा आपको समझना है, तो फायदा चार तो दो पांच कम तरह नहीं होते ना, मोर देन 4 इयर्स यू इन्वेस्टेड इन थिएटर, दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग. कंटिन्यूअस, मतलब 4 साल तो कंटिन्यूअस है, उसके बाद भी आप ऐसे देखेंगे तो मैं अभी भी कुछ ना कुछ करता रहता हूँ। तो आपने पूछा था कि थिएटर का मेरे लाइफ में क्या फायदा मुझे समझ रहा है, तो इसके हाँ, भी चार साल का जो दो है। इन्वेस्टमेंट था, मतलब हाउ इट इज यूजफुल जी फॉर फिल्म्स, और लेकिन वो होने के बावजूद भी आपको ये क्यों लगा कि आपको कैमरे के पीछे जाना चाहिए? फिल्म में हाँ, एक्टिंग भी कर सकते थे, वाई बिहाइंड द कैमरा? ये था मेरा. तो वही मैं बता रहा हूँ कि मैं बिहाइंड द कैमरा सिर्फ अपनी क्यूरियोसिटी की वजह से आया हूँ। मैं अभी यहाँ कितने दिन रहूंगा, यही रहूंगा, वो भी मुझे पता नहीं। हो सकता है मैं कल को पक्का शेफ नहीं, बन जाऊँ, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे कुछ नहीं पता। पॉसिबल है, क्योंकि एक हाँ, बार एक्टिंग मेरा तो करने के बाद मतलब वो एक नशा होता है, एक वो एक्टिंग का नशा होता है, चाहे वो आप टीवी पे कर लो चाहे फिल्म में कर लो, बट एक्टिंग एक्टिंग हो गई. तो उसके बाद किसी और को शूट करना, उसके पीछे जाना, लेंसेज के पीछे जाना, तो ये जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड नथिंग एल्स. और हो सकता है ये आप इसमें कंटिन्यू करो या नहीं, या यू कैन कम बैक टू योर एक्टिंग अगेन, ऐसा नहीं, भी हो आई डोंट सकता नो, है. हो सकता है। मैं भी आई थिंक कोई भी ऑप्शन बंद नहीं करना चाहिए, जो भी मिले कर लेना चाहिए। फिर जो एलिगेशन आप पे किसी मित्र ने लगाया वो बहुत सही था, कि तुमने मास कम्युनिकेशन की एक सीट खराब की, एक्टिंग की एक खराब की, उसके बाद FTI की. उसका क्या जवाब? हाँ, तो ये एलिगेशन तो मुझ पर लगा है कि तुम हाँ खाली मतलब इधर से उधर करते रहते हो, तो और तुम्हें तुम्हारे लाइफ में फोकस नहीं है, तुम्हें पता नहीं है तुम्हें करना क्या है, तो और तुम जाके मतलब सीट वेस्ट करते हो। तो मुझे लगा कि जहाँ तक ग्रेजुएशन की बात है जर्नलिज्म की, तो उसमें तो मैंने अपना टीचर को ही मतलब पूरे क्लास में बोल दिया था कि मैं ग्रेजुएशन बस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि FTI में रिक्वायरमेंट है ग्रेजुएशन करने की, अदरवाइज अगर वो 12th के बाद सीधे अगर FTI या NSD मुझे ले लेता तो मैं तो सीधे वहीं चला जाता। ये मैंने पूरे क्लास के सामने अपने टीचर को ग्रेजुएशन में बोल दिया था, जब उन्होंने मुझसे पूछा था कि तुम क्यों आए हो, व्हाई आर यू स्टडिंग जर्नलिज्म, तो मैंने बोल दिया था मुझे खाली ग्रेजुएशन करने से मतलब है, और क्योंकि ये जो मास कम्युनिकेशन का फील्ड है वो जिधर मुझे जाना है उससे काफी क्लोज है उसके, तो हेल्प इसलिए मैंने, करता. हाँ तो इसलिए मैंने वो चूज किया। और रही बात आप जो कह रहे थे कि क्यों मैं इधर आया, तो हाँ, तो उसका तो जवाब मैंने दे दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ क्यूरियोसिटी एंड टू लर्न फिल्म मेकिंग। तो सिर्फ देखिए, अगर मैं कैमरा मैन हूँ तो सिर्फ मैं सिर्फ कैमरा ही नहीं देख रहा हूँ, या सिर्फ कैमरा ही तो नहीं सीख रहा हूँ ना, मैं तो बहुत कुछ देख रहा हूँ अपने अराउंड चीजों। जब मैं एक फिल्म मेकिंग के प्रोसेस में जुड़ा हूँ तो मुझे तो बहुत कुछ समझ में आ रहा है, क्योंकि डेफिनेटली. मेन चीज जो है वो मेन बात है, आपको वहां पहुंचना है। अगर आप एक फिल्म सेट पे हो किसी भी पोजीशन पे, तो आप आसपास चीजों को देख के, अगर आप ऑब्जर्व करने के माइंडसेट से वहां पे हो तो आप ऑब्जर्व करोगे, अगर आप ऑब्जर्व करने के माइंडसेट से नहीं हो तो फिर आप बैठे रहोगे वहां पे। अगर आप एक फिल्म सेट पे हो तो एक कॉस्ट्यूम असिस्टेंट भी, जिसका काम सिर्फ एक्टर्स को कॉस्ट्यूम देना है, वो भी बहुत कुछ सीख सकता है अगर उसका सीखने के माइंडसेट से वो गया हो तो। राइट, तो मैं कैमरा के पीछे भी रहता हूँ तो क्यूरियस ही रहता हूँ कि अच्छा ये कैसे हो रहा है, ये आर्ट डायरेक्टर तो यार ये कैसे, कितना अच्छा ये लोग बना देते हैं प्रॉप, कितना असली लग रहा है ये, और तो ये सब मैं देखता रहता हूँ मैं। तो उसमें भी क्या
मुझे मजा आता है। अच्छा, अभी आपने जो डायरेक्ट की आपकी फिल्म में आई हुई है, एक मराठी मूवी है और एक असमीज मूवी भी की हुई है जो फ्लोर पे आनी है। हाँ हाँ, वो मैंने दो इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म्स शूट की हैं। इंडिपेंडेंट फीचर फिल्म्स का मतलब है कि कोई इसका प्रोड्यूसर नहीं है, कोई उसका फाइनेंसर नहीं है। लोगों ने आपस में ही, जो टीम है उसने ही आपस में ही खुद से पैसा वैसा लगा के हम लोग ने एक फिल्म बनाई है। एक तो ऐसी एक मराठी में फिल्म है, फीचर फिल्म है। फीचर फिल्म मतलब फुल लेंथ फिल्म। एक मराठी में ऐसी फिल्म है और एक एसएमईज में फिल्म है। जो एसएमईज वाली फिल्म है वो मैंने अपने बैचमेट्स के साथ बनाई है। मेरे बैचमेट है, एडिटिंग के बैचमेट थे और एसॉम के दो दोस्त हैं मेरे, तो वो लोग बना रहे थे फिल्म, तो उन्होंने मुझे इसमें इन्वॉल्व कर लिया। सो एक वो फिल्म हो गई और एक मराठी फिल्म जो मैंने अपने थिएटर के ही गुरु के साथ, मिस्टर चित्रंजन गिरी जो कि एनएलटी पास आउट हैं और काफी, हेलो, हाँ, तो वो मेरे थिएटर के ही टीचर हैं, गुरु हैं, उनके साथ वो एक फिल्म बनाना चाह रहे थे, तो हम लोग ने कोलैबोरेट करके एक वो फिल्म बनाई है मराठी। तो ऐसे कुछ कुछ वो सब दोनों फिल्में अभी पोस्ट प्रोडक्शन में ही हैं, अभी उनके नाम भी फाइनलाइज नहीं है, तो मैं मेरा बताने के यहाँ पे कोई मतलब नहीं होगा उनका नाम। तो हाँ, तो ये सब है। उसके अलावा जी, सॉरी, मैंने कहा कोरोना की वजह से तो सभी कुछ आज अभी पाइपलाइन में ही चल रहा है। हाँ हाँ बिल्कुल, जी जी जी, अगर अच्छा, अभी सब कुछ सही चल रहा होता तो शायद। हाँ अच्छा, अभी इसमें सवाल जो आ रहे हैं ना, मैं वो पूछना शुरू कर देती हूँ क्योंकि हमारी गप्पे तो चलती रहेंगी। हाँ, एक है कि रोहित ने पूछा है, व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर रिटन एग्जाम, मतलब जब आप रिटन एग्जाम एफटीआई का पास कर लेते हुए हैं, फिर उसके बाद का क्या प्रोसेस है। और उसके साथ ही अभिषेक ने सवाल पूछा हुआ है, दोनों ही क्लब हो जाएंगे मेरे ख्याल से, प्रैक्टिकल करिकुलम ऑफ एफटीआई फॉर एन एक्टर फ्रॉम बिगनिंग टू एंड। तो पहले सेकंड वाले जो क्वेश्चन है उस पर मैं बात कर लेता हूँ। अभिषेक जी ने जो सवाल पूछा है, प्रैक्टिकल करिकुलम ऑफ एन एक्टर इन एफटीआई, वो मुझे बिल्कुल नहीं पता क्योंकि मैं एक्टिंग मैंने पढ़ी नहीं, तो वहां से मैंने एक्टिंग का कोर्स नहीं किया, तो मुझे एग्जैक्टली क्या होता है अंदर वो मुझे नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं ओवरऑल कुछ कुछ मुझे पता है कि एक्टिंग का कोर्स 2 साल का होता है वहां पे, एफटीआई में एक्टिंग का कोर्स 2 साल का होता है, जिसमें आपको फर्स्ट जो शुरुआती फेजेस जो होते हैं उसमें आपको पहले तो 3 महीने आपको वही कॉमन जो मॉड्यूल चलता है, कॉमन मॉड्यूल जिसमें आपको सारे ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के साथ सब कुछ करना पड़ता है, 3 महीने आपका वो चलता है, हाँ, हाफ अ सेमेस्टर। फिर उसके बाद आपके जो बेसिक एक्सरसाइजेस होती हैं एक एक्टर के लिए, जो हम थिएटर में भी करते हैं, जो एनएसडी में भी जो सिखाया जाता है, फिजिकल, स्पीच, वॉइस, ये सब चलता रहता है वहाँ पे, योगा होता है वहाँ पे कलरीपयट्टी होता है, वहाँ पे डांस सिखाया जाता है, तो ये जो फिजिकल एस्पेक्ट है ये तो चलता ही रहता है शुरू में, ये सब चलता है। फिर फर्स्ट ईयर वो लोग एक फर्स्ट ईयर के एंड में वो लोग एक थिएटर प्रोडक्शन करते हैं, एक प्ले करते हैं एफटीआई में ही, जिसमें बाहर के लोग भी इनवाइटेड होते हैं एफटीआई के, पूरा स्टूडेंट और फैकल्टी को देखते ही। उसके बाद उनकी, हाँ, फर्स्ट ईयर के बाद उनकी स्पेसिफिकली फॉर कैमरा एक्टिंग शुरू होती है, एक्टिंग स्पेसिफिकली फॉर कैमरा, वो उनका एक पूरा फेज चलता है 1 साल का। अब उसमें वो क्या होता है वो डिटेल मुझे नहीं पता, ये हाँ एक मोटा मोटा मुझे ये पता है। बट बीइंग एन एक्टर, थिएटर एक्टर तो आप रहे हो और आपने जैसे सिनेमेटोग्राफी भी किया, अब आप कर भी रहे हो, यू आर वर्किंग एज अ सिनेमेटोग्राफर, तो आपको क्या डिफरेंस लगता है, जो जनरली कहा जाता है ना कि थिएटर एक्टिंग अलग है, टीवी एक्टिंग अलग है और फिल्म एक्टिंग अलग है, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, बिकॉज यू आर प्रैक्टिकली इन्वॉल्व इन थिएटर, फिर उसके बाद अब आप चाहे कैमरे के पीछे हो बट आप शूट तो उन्हीं को कर रहे हो ना, एक्ट्रेस को ही कर रहे हो, परफॉर्मर को ही कर रहे हो, है ना, ड्यूरिंग ट्रेनिंग भी आपने वही किया है, तो आप और प्रैक्टिकली भी वही कर रहे हो, तो व्हाट इज द डिफरेंस, व्हाट काइंड ऑफ डिफरेंस यू फाइंड इन ऑल दीस थ्री डिफरेंट जॉनर, ओके, हाउ एक्टिंग इज डिफरेंट from one medium to the other। जी, तो
इसका काफी कुछ जवाब तो मैंने शुरू में बताया कि कैसे आपके पास स्पेस की बात है, सिर्फ एक्टिंग में जो भी है वो सिर्फ स्पेस की बात है। अगर आप थिएटर में हो, आपके पास एक पूरा जो स्टेज का एक स्पेस है वो आपके पास है। अगर आपके पास पूरा स्टेज भी नहीं है तो आपको एक जोन दिया जाता है कि हाँ ठीक है, आपको इस सर्कल में या उस सर्कल में एक्टिंग करनी है, ये सीन इस स्पेस में होगा। लेकिन फिर भी आपके पास एक खुला स्पेस होता है, एक हेड स्पेस होता है, ठीक है। तो थिएटर एक्टिंग में स्पेस आपका पास ओपन स्पेस होता है, आप खुले में एक्टिंग कर सकते हो, ठीक है। और वहां ऑडियंस सिर्फ आपके आगे है जो आपको दिख रही है, राइट। आपको ऑडियंस के सामने परफॉर्म करना है, डायरेक्ट परफॉर्म करना है। जब वो कनेक्शन बन जाता है एक ऑडियंस के साथ एक्टर का, कि मैं जो बोल रहा हूँ वो वहां डायरेक्टली रिसीव हो रहा है, तो फिर ये एक साइकिल बन जाता, तो वो एक साइकिल बन जाता है कि तो एक्टर और मोटिवेटेड हो जाता है। जब उसको रिएक्शन मिलता है ऑडियंस का तो वो और मोटिवेटेड होता है, तो उसको समझ में आता है हाँ ठीक है, मैं जहाँ हिट कर रहा हूँ वो सही लग रहा है, मैं सही पॉइंट पर हिट एक्शन कर का रहा हूँ, या रिएक्शन मेरे जी एक्शन का रिएक्शन ऑन द स्पॉट मिलता है, तो ऑन द एक्टर स्पॉट को समझ में आता है अच्छा हाँ मैं सही कर रहा हूँ या मैं सही जा रहा हूँ, मेरे पंचेस लैंड हो रहे हैं, या मैं अगर कुछ रुलाना चाह रहा हूँ ऑडियंस को तो ऑडियंस रो रही है, अगर मैं साइलेंस कराना चाह रहा हूँ तो ऑडियंस साइलेंस हो रही है, ये उसको तुरंत समझ में आ जाता है। फिल्म एक्टिंग में आते हैं तो फिल्म या टीवी एक्टिंग उसको तो एक ही कर लेते हैं हम लोग, तो फिल्म और टीवी में आते हैं तो आपको एक तो ये समझ में नहीं आता, कभी आपको ऑडियंस का रिएक्शन नहीं समझ पता चलेगा कि क्या हो रहा है। फिल्म सेट पे जो लोग हैं वो आप पता नहीं सही बोल रहे हैं या नहीं बोल रहे हैं, आपको नहीं पता। अगर आपने कुछ परफॉर्म किया और लोगों ने बोला वाह 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 क्या बात है, और लेकिन वो फिल्म पे जब आया तो किसी को पसंद ही नहीं आया, या वो आपका पंच वो लैंड ही नहीं हुआ, तो आपको एक तो एक्टर को वो नहीं समझ में आता। ये बहुत एक्सपीरियंस के बाद लोगों को समझ में आता होगा कि अच्छा ये जो मैं बोल रहा हूँ ये एडिट होगा तो ऐसा दिखेगा, इसके पीछे म्यूजिक लगेगा तो ये फाइनली कैसा दिखेगा, ये एक एक्सपीरियंस एक्टर को समझ में आता है। ये सब धीरे धीरे इंसान को सीखना पड़ता है। और फिल्म और टीवी एक्टिंग जो थिएटर से अलग है वो इस तरह से कि वही स्पेस की बात, कि आपके पास एक फ्रेम है। अगर आप एक थिएटर में फिल्म थिएटर में देख रहे हैं तो आपके पास वो जो सिल्वर स्क्रीन है वो है, अगर आप फोन में देख रहे हो तो आपका जो फोन का स्क्रीन है उतने का एक फ्रेम है, उसमें ही आपको जो करना है वो करना है। अब डायरेक्टर आपको अगर एक खुला स्पेस देता है, एक वाइड एंगल लेंस लगा के एक वाइड शॉट देता है, तो आप उस पे चल फिर सकते हो, इधर उधर घूम सकते हो। अगर आपको एक क्लोजअप लेंस लगा के बिल्कुल आपके हाथ का एक जेस्चर पकड़ने के लिए एकदम सिर्फ उंगलियों का क्लोजअप है, तो आप उंगलियों से कैसे एक्टिंग करोगे, क्योंकि थिएटर में तो ऑडियंस आपके उंगली के इतने पास आके तो नहीं देखती कि अच्छा उसके हाथों का ये जो जेस्चर है ये कैसे मूव हो रहा है, वो तो नहीं दिखता ऑडियंस को। अगर कोई देख लेता है तो बहुत ही बड़ी बात है, तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन नहीं दिखता। आप फिल्म में दिखा सकते हो, तो ये एक्टर के लिए एक प्लस पॉइंट भी है कि वो अपने जेस्चर से, मैनरिज्म से, स्पीच से अपने परफॉर्मेंस को और भी एनहांस कर सकता है। तो प्लस एंड माइनस दोनों है, आपके वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्शन भी होता है परफॉर्मेंस में, लेकिन आपके पास थ्रू एडिटिंग, थ्रू डिफरेंट फिल्म मेकिंग टेक्निक्स, डिफरेंट शॉट टेकिंग, आपको आपकी परफॉर्मेंस इनहेंस करने का मौका मिलता है। और पूरी की पूरी टीम आपकी, जो भी डायरेक्टर से लेके कैमरामैन से लेके सारे असिस्टेंट, दुनिया भर के लोग वहां पे, स्पॉट बॉय, सबकी बस एक ही कोशिश होती है कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो जाए। एक एक्टर का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा निकल के आए, बस यही सबकी कोशिश वही होती है। एक एडिटर की भी कोशिश यही होती है कि मैं एडिट पे कैसे इनकी जो परफॉर्मेंस है, इस एक्टर की जो परफॉर्मेंस है, इसके जो खराब टेक्स हैं उसको मैं हटा देता हूँ, जो इसका अच्छे परफॉर्मेंसेज हैं उसको ही रखता हूँ, तो आपने जो खराब भी किया होगा वो भी एडिट पे जाके अच्छा हो जाता है। तो एक एक्टर को तो ये बहुत ही सहूलियत है, इसीलिए लोग आप जनरली सुनते होंगे कि हम लोग सुनते हैं कि एक्टिंग करना है तो थिएटर में करो, थिएटर एक्टिंग एक्टिंग होती है, वो आपको एक्टिंग सिखाती है, फिल्म में एक्टिंग करना इजी है। मेरा ऐसा नहीं मानना है,
मेरा ऐसा मानना नहीं है, क्योंकि फिल्म एक्टिंग में जो टेक्निकलिटीज हैं वो बहुत ही आपको मेंटली चैलेंज करती है बहुत। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको सिर्फ आंखों से कुछ एक्सप्रेस करना है, आपकी बस आंखों का शॉट है और आपको एक इमोशन सिर्फ आंखों से करना है, एक्सप्रेस करना है, तो ये करना ज्यादा मुश्किल है राधा देन स्टेज पे आप कुछ पूरी बॉडी का प्रॉप्स यूज का यूज करना। करके। हाँ, कि आप स्पेस पे आप एक आपके मूवमेंट से आपको समझ में आ जाता है, मूवमेंट से, हाथों के पैरों के जेस्चर से आप कन्वे करा सकते हो कि ठीक है आप दुखी हो या आप गुस्से में हो। लेकिन सिर्फ अगर आपको डायरेक्टर ने कह दिया कि बस आंखों का शॉट लगाऊंगा मैं और आपको आंखों से बताना है, या सिर्फ आपको एक लुक से बताना है, मैं आपको बस आपका एक लुक रखूंगा कि आपने उसको देखा और आपके उस देखने में ही समझ में आ जाना चाहिए कि आप उसको गुस्से में देख रहे हो या प्यार से देख रहे हो या क्या कर रहे हो, तो यहाँ पे थोड़ा रिस्ट्रिक्शन भी है और फायदे भी हैं, तो दोनों चीजें हैं। लेकिन ये तो है डेफिनेटली कि मेथड्स अलग हैं, मतलब फॉर्म ऑफ एक्टिंग अलग हो जाती है वहां पे। जिस तरह से आप थिएटर में जो एक्टिंग जिस तरह से करते हैं और फिल्म में जो करते हैं, उसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे नजर में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, वो एक्टर एक्टर पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरे नजर में हाँ बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा है, थोड़ा सा। बिकॉज ऑफ दैट टेक्निकलिटी, उसकी जो जो टेक्नोलॉजी वहां पर यूज हो रही है बिकॉज ऑफ दैट ओनली, ये वजह है। अच्छा, अभी जो रोहित ने बिल्कुल है ना, अब जो रोहित ने पूछा है कि व्हाट इज द प्रोसेस आफ्टर रिटर्न एग्जाम, पहले हाँ इस पे आ जाते हैं मैं एक और ऐड तो करना चाहूंगी हर्ष, मैं एक और ऐड करना जी। चाहूंगी कि रोहित ने तो आफ्टर रिटर्न एग्जाम पूछा है। मैं चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो ये जानना चाहते हैं कि रिटर्न एग्जाम के लिए भी कैसे प्रिपेयर करें, उसके लिए क्या क्या चीजें प्रिपेयर करनी पड़ेंगी एफटीआई में आने के लिए। एफटीआई में के लिए अब तो दोनों का कॉमन एग्जाम हो गया है, सत्यजीत पे और इसका, दोनों का जी है जी ना बताया। तो अब जब जी दोनों का कॉमन है तो वो कॉमन एंट्रेंस टेस्ट है, उसके बाद वो तो आपका स्पेशलाइजेशन है कि व्हाट इज योर विश, बट एग्जाम तो सबके लिए कॉमन ही होता है ना। तो उसके लिए कैसे प्रिपरेशन करनी है, पहले प्रिपरेशन पे आ जाता है फिर व्हाट आफ्टर रिटर्न एग्जामिनेशन वो पकड़ेंगे। हाँ, तो रोहित जी का जो सवाल है उसको थोड़ा सा हमें, एक तो आपने सही कहा, थोड़ा वाइडन करना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने भी जो पूछा है कि रिटर्न एग्जामिनेशन के बाद का प्रोसेस क्या है, तो रिटर्न एग्जामिनेशन का प्रोसेस भी डिफरेंट कोर्सेस के लिए डिफरेंट है। एंड हाँ, अलग अलग स्पेशलाइजेशन के लिए रिटर्न के बाद भी प्रोसेस डिफरेंट है। तो मैं शुरू से शुरू करता हूँ, सब कुछ बता देता हूँ हाँ कि कोई मैं शुरू से बता देता हूँ कि पहला जो हाँ स्टेप हो हाँ पहला जो स्टेप है वो तो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है। एंट्रेंस एग्जाम का जो एप्लीकेशन है आपको उसके लिए अप्लाई करना होता है, जिसका फॉर्म हर साल जनवरी दिसंबर एंड जनवरी में आ जाता है एफटीआई के वेबसाइट, तो आपको वहां पे अप्लाई करना होता है। अभी वो हो गया है ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट जेईटी। हेलो, हाँ आई कैन हियर यू, यस आई सॉरी कैन मुझे, हियर यू हर्ष। एक्चुअली मुझे मेरी आवाज सुनाई दे रही है। अच्छा, नहीं हमें आपकी आवाज बहुत क्लियर मस्त आ ओके रही ओके है। ओके ओके तो हाँ ओके तो हाँ तो ये आप, अभी भी आ रही है आपको आपकी आवाज, कभी कभी हो जाता है। हाँ, मे बी अभी जो ईयर हो प्लग गया से वो शायद कम जो होता है। अभी हो गया है वो ज्वाइंट एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है। ओके डन। एंड एक काम करते हैं हम लोग, इसको कैंसिल करके हम लोग फिर से करें क्या, क्योंकि ये अभी बहुत पीछे का लैग आ रहा है मुझे, आपका भी वीडियो बहुत लैग होके आ रहा है। अच्छा ठीक है, मैं फिर से आपको कॉल करती हूँ, नो प्रॉब्लम, आई कॉल यू एक राइट मिनट में करती हूँ पक्का। हाँ अभी कर, हाँ बिल्कुल।
बिल्कुल परफेक्ट है, राइट। तो हाँ, जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट, तो अभी जो है जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट होता है जिसमें FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया एंड सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SRFTI, इन दोनों का एंट्रेंस एग्जाम साथ में होता है फॉर वेरियस कोर्सेस। आप वहाँ पे अलग है, सत्यजीत रे फिल्म इंस्टीट्यूट में कोर्सेज का ड्यूरेशन अलग है थोड़ा, जैसे फिल्म इंस्टीट्यूट में क्या FTII में है आपका 3 ईयर कोर्सेज हैं और 1 ईयर कोर्सेज हैं, एंड एक्टिंग कोर्स जो है वो 2 साल का है। एंड व्हेन यू कम टू SRFTI तो जो कोर्सेज FTII में 1 साल के हैं वो कोर्सेज SRFTI में 2 साल के हो जाते हैं, और SRFTI में एक्टिंग का कोर्स नहीं है। वहाँ पे कुछ कोर्सेज और एक्स्ट्रा हैं, जैसे प्रोड्यूसिंग का कोर्स वहाँ पे है, आई थिंक एनिमेशन का कोर्स वहाँ पे है, तो 1-2 कोर्सेज SRFTI में एक्स्ट्रा हैं और 1-2 कम हैं, जैसे एक्टिंग का वहाँ पे नहीं। तो अभी क्या है कि लेकिन जो मेन कैटेगरीज हैं, डायरेक्शन, साउंड डिजाइन, कैमरा, एडिटिंग, आर्ट डायरेक्शन, ये जो मेन 5 फील्ड्स हैं हमारे, ये सेम है दोनों जगह पे, और जो टीवी कोर्सेज हैं 1 ईयर कोर्सेज वो भी सेम है दोनों जगह पे। तो इन दोनों का जो एग्जाम होता है ये सब सेम होता है। आप एक रिटर्न एग्जाम देते हो, जब आप फॉर्म भरते हो तो आप दोनों के लिए अप्लाई करते हो और आप एग्जाम देते हो, और उसके बाद जो भी आपका मार्क्स आते हैं उसके मेरिट पर डिसाइड होता है कि आपको क्या इंस्टीट्यूट अलॉट होगा। तो FTII मतलब दैट इज आल्सो नॉट योर चॉइस, वो चॉइस नहीं है मतलब आप नहीं, डिपेंड, बहुत से फैक्टर्स हैं उसमें, आप उसमें बहुत से फैक्टर्स हैं, ये सब जिनको डिटेल में जानना है वो प्रॉस्पेक्टस पढ़ेंगे अगर इसका, तो उनको एक्चुअली समझ में आएगा, क्योंकि ये कोर्स बाय कोर्स भी बहुत वेरी होता है, तो मैं सबका नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी आइडिया नहीं है, क्योंकि जब मैंने एग्जाम दिया था तब, हाँ तब ये जेट नहीं था, तब ये जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था, तब FTII का एग्जाम अलग ही होता था। तो मैंने जब एग्जाम दिया था, हाँ, तो हम लोग के 1 साल बाद, आई थिंक 2018 से ये अप्लाई हुआ है, फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 ये जॉइंट एंट्रेंस टेस्ट आया। एंड तो FTII का मैं प्रोसेस बताता हूँ आपको कि जब आप पहले जब आपने एंट्रेंस टेस्ट दिया उस पे आपके जो एक कट ऑफ लिस्ट निकलती है उसमें कुछ हर कोर्स में जितने भी कोर्सेज हैं उसमें कुछ 40-50 लोगों की एक शॉर्ट लिस्ट निकलती है, मतलब 40-50 कोर्स पर दिस पर डिपार्टमेंट पर कोर्स, और फिर इन लोगों को बुलाया जाता है फॉर इंटरव्यू एंड ओरिएंटेशन। तो सबसे पहले तो रिटर्न एग्जाम जब हमने दिया तो उसके बाद कुछ महीनों बाद आपको रिजल्ट आ जाता है, आपको एक ईमेल या पोस्ट या कॉल के थ्रू बता दिया जाएगा कि आपका रिटर्न एग्जाम क्लियर हो गया जी, और आपको फला डेट को आपका ओरिएंटेशन है या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है। तो इसके बाद रिटर्न के बाद जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, और सुनने में ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज लग रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है। हाँ, क्योंकि बहुत लोगों के डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम आता है, और डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम में, डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होने में की वजह से वो लोग अप्लाई नहीं कर पाते, आगे उनको आगे के राउंड में नहीं लिया जाता, तो दैट इज अ बिग थिंग। मेरा खुद का डायरेक्शन के कोर्स में सिर्फ डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुआ था, मुझे इंटरव्यू नहीं बैठने दिया गया था बिकॉज ऑफ डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम, और मेरे साथ भी बहुत लोग थे उस समय भी, मेरे साथ भी 3-4 लोग थे जिनका डॉक्यूमेंट में कुछ इश्यूज आए थे, क्योंकि उनका एक बहुत ही फिक्स्ड फॉर्मेट है कि आपको ये सर्टिफिकेट चाहिए, तो आपको वो सर्टिफिकेट चाहिए, उसके ओरिजिनल्स चाहिए, अगर आपने किसी कैटेगरी में अप्लाई किया है, ओबीसी एसटीएससी में अप्लाई किया है, तो उसके जो उसके सर्टिफिकेट्स को लेके वो लोग और पर्टिकुलर हैं, तो क्योंकि उनका भी एक क्या है कि अगर वो लोग भी चाहते हैं कि अगर आपको आगे का बर्डन वो भी तो कम करना चाहते हैं ना, तो वो भी चाहते हैं कि अगर कम से कम अगर डॉक्यूमेंट में ही अगर आपने 4 लोगों को हटा दिया तो आपका इंटरव्यू का प्रोसेस भी थोड़ा सिंपल हो जाएगा। तो अब भले वो ऐसा ना सोचते हो, ये मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ,
ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, हाँ तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का एक प्रोसेस है। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका ओरिएंटेशन होता है। ओरिएंटेशन इज अगेन लाइक समवॉट लाइक जो वर्कशॉप होती है एनएसडी में एक्टर्स की, समथिंग लाइक दैट, कि जिसमें आप, हाँ तो जी, ऑलमोस्ट समथिंग लाइक दैट, वो वही होता है। ओरिएंटेशन में आपको कुछ रिटन चीजें भी दी जाती हैं, रिटन एग्जाम सॉर्ट ऑफ भी होता है, एक छोटा सा टेस्ट जैसा। आपको क्या होता है कि कुछ चीजें दिखाई जाती हैं या बताई जाती हैं वहाँ पे ओरिएंटेशन कोर्स में। वो जो 4-5 दिन के लिए एक ओरिएंटेशन होता है, उसमें आपको बताया कुछ फिल्में दिखाई जाती हैं या कुछ जो एग्जामिनर्स होते हैं वो आपसे कुछ बातें करते हैं, और उसके बेसिस पे आपको छोटे मोटे टेस्ट देते हैं, और आपको ओवरऑल वो ऑब्जर्व करते हैं, जैसे एनएसडी में करते हैं, तो वो भी एक आपको ऑब्जर्व करते हैं, और कुछ प्रैक्टिकल्स भी देते हैं, प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस भी देते हैं, और उसके बेसिस पे भी आपको जज किया जाता है। एंड ओरिएंटेशन के साथ साथ ही इंटरव्यू का भी प्रोसेस होता है, मतलब जब आप रिटन क्लियर करने के बाद एफटीआई जाते हो, ओरिएंटेशन और इंटरव्यू का प्रोसेस साथ में होता है। ओरिएंटेशन आपका हो गया, उसके बाद आपका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू में एक पैनल बैठता है, और वो पैनल आपसे कुछ भी सवाल कर सकते हैं। मोस्टली बहुत डिफिकल्ट नहीं होता है, बहुत टेक्निकली, वो टेक्निकल कुछ नहीं पूछते हैं, बहुत ज्यादा आपके सब्जेक्टिव सवाल ज्यादा पूछते हैं आपके बारे में, और वही जो सवाल होते हैं आप क्यों करना चाहते हैं, क्या होगा ये करके, ये सब जो सब्जेक्टिव सवाल है उसमें तो बस। ऑलरेडी हाँ इतनी भीड़ है फिल्म इंडस्ट्री में, आप क्यों हाँ करना चाहते हाँ वही वही हैं? वही सब सवाल होते बहुत हैं। कॉमन सवाल है वाला। तो इंटरव्यू तो बिल्कुल ही पर्सनल है। वहां पे कैसा जाके आप अंदर क्या करते हो, ये तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है, और कोई आपको गाइड नहीं कर सकता कि यार ये बोलोगे तो ही इंटरव्यू क्रैक होगा, तो ऐसी कोई ऐसा कोई रामबाण नहीं है। आप अंदर जाके क्या करते रिटन हो टेस्ट वो के लिए तो होता होगा ना, रिटन टेस्ट के लिए तो हाँ कोई सिलेबस हाँ फॉलो अब मैं करना उस पर पड़ता आता हूँ। हाँ तो मैं उस पर आता हूँ। होगा ना। तो अब जो अभी का जो करंट जो मार्क्स का डिवीजन है, वो एंट्रेंस टेस्ट में ऐसा है कि जो रिटन टेस्ट आपने सबसे पहले दिया, उसका 20%, ओरिएंटेशन का 50% और इंटरव्यू का 30%। तो 50, हाँ तो 100% ऐसे हो गए, यानी कि जो आपने रिटन में आपके जो नंबर आए, मान लीजिए आपके रिटन एग्जाम में 100 मार्क्स आए, तो 100 मार्क्स में से आपका 20%, 20 मार्क्स वहां से लिया जाएगा। ओरिएंटेशन में आपके, मान लीजिए ओरिएंटेशन में भी 100 मार्क्स आए हैं, तो आपके वहां से 50% मार्क्स लिया जाएगा, यानी 50 नंबर वहां से लिया। और इंटरव्यू में आपके 30% मार्क्स लिए जाएंगे, इंटरव्यू में भी अगर आपके 100 आए हैं तो 30 लिया जाएगा। तो इस तरह से 20%, 50% और 30% लेके आपका एक फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट बनती है सारे नंबर्स को कंबाइन करके, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के कंबाइन करके मार्क्स को, एक टोटल मार्क्स बनाया जाता है, और उसके बेसिस पे फाइनल जो कट ऑफ लिस्ट आती है वो आती है 10 लोगों की। 10 सीट्स ही होती हैं हर कोर्स में। तो हर एक में मतलब एक्टिंग में 10 और आपके से भी सिनेमाटोग्राफी और वो डायरेक्शन का तीसरा डायरेक्शन का हो गया ना, हाँ सब में से डायरेक्शन, 10 10 की। हाँ, दस हाँ दस सीट ही होती है। मतलब ऑल टुगेदर 30 स्टूडेंट्स इन अ ईयर ओनली। नहीं, हाँ बहुत से डिपार्टमेंट्स है ना। आप देखिए, मैं डिपार्टमेंट बताता हूँ आपको। सबसे हाँ पहला है डायरेक्शन, अच्छा अलग अलग और दो, डिपार्टमेंट्स भी है। हाँ 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 बताइए तो बताइए। फिर तो ओवरऑल दो विंग्स हैं एफटीआई में, दो विंग्स हैं, फिल्म विंग है और टीवी विंग है। फिल्म विंग में हाँ आप मोटा मोटा 6 कोर्सेज पकड़ लीजिए, 7 पकड़ लीजिए, हाँ डायरेक्शन, थ्री ये 3 ईयर डायरेक्शन एंड स्क्रीन पे राइटिंग का एक कोर्स होता है, जो कि डायरेक्शन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्शन ही बोलते हैं, डायरेक्शन कोर्स। फिर 3 ईयर सिनेमाटोग्राफी कैमरा, 3 ईयर एडिटिंग, 3 ईयर साउंड डिजाइनिंग एंड रिकॉर्डिंग, 3 ईयर आर्ट डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्शन एंड प्रोडक्शन डिजाइन। तो ये 5 तो ऑल टाइम परमानेंट वहां के डिपार्टमेंट है, ठीक है। इसके बाद आपका एक्टिंग का डिपार्टमेंट है, जो 2 साल का कोर्स होता है यहाँ पे। फिर आपका है स्क्रीन प्ले राइटिंग का, स्क्रीन प्ले राइटिंग का एक अलग डिपार्टमेंट है,
स्क्रीन पे राइटिंग का कोर्स भी एक साल का कोर्स होता है ये, ठीक है। तो ये 7 कोर्सेज हो गए। इसके अलावा आपका टीवी विंग है जिसमें 4 कोर्सेज हैं। टीवी विंग में 4 कोर्सेज हैं, डायरेक्शन, कैमरा, एडिटिंग एंड साउंड। तो ये टोटल हो गए 7, 4, 11 कोर्सेज। तो और इन सब पे 10-10 सीट है, तो आप 110 और किसी में 12 सीट्स होती हैं। आई थिंक स्क्रीन पे राइटिंग में 12 सीट्स होती हैं, किसी एक कोर्स में 12 है, आई कांट रिमेम्बर, मतलब एक्टिंग में या स्क्रीन पे राइटिंग में किसी में 12 सीट होती है। तो अगर सारे सीट्स फिल्ड हो जाते हैं तो आपका एक टाइम पे 112 लोग रहते हैं, हर साल नए आते हैं। और कैंपस में तीन बैचेस तो होते हैं एक साथ, तो होते हैं कुछ, मतलब 250-300 स्टूडेंट्स होते हैं कैंपस में। अच्छा, अभी क्या पूछा? हाँ, हम लोग ने शायद सवाल कंप्लीट नहीं किया, तो हाँ, हमारा जी, तो ये हो गया रिटर्न के बाद जो आपका पूरा मार्क्स कैलकुलेशन मैंने बता दिया कि आपका रिटर्न, ओरिएंटेशन और इंटरव्यू को कंबाइन करके एक फाइनल लिस्ट बनाई जाती है। रिटर्न एग्जाम में क्या आता है? रिटर्न एग्जाम में क्या आता है ये हम लोग को भी नहीं पता था, बिल्कुल ही ब्लैंक हो गए हम लोग गए थे। अपने लेवल पे आप जो भी प्रिपेयर कर सकते थे हम लोग ने किया था, लेकिन हम लोग को भी बहुत ज्यादा कुछ पता नहीं था कि क्या आएगा। तो हम लोग कोई फिल्म की हिस्ट्री पढ़ के गया था, कोई अवार्ड अवार्ड रट के गया था, कोई अपने फील्ड का सब कुछ पढ़ के गया था। लेकिन मोस्टली मैं आपको बताऊं कि जो सवाल आते हैं वो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब आप क्या सोचते हो किसी चीज के बारे में वो ज्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, वो सब्जेक्टिव सवाल ज्यादा होते हैं। हम लोग जब मेरा एग्जाम हुआ था, जो एग्जाम हम लोग ने दिया था उसमें था 20 और 80 का डिफरेंस था, मतलब 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन थे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, मल्टीपल चॉइस टाइप्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि ये अवार्ड इस साल किसको मिला था, 4 ऑप्शन, उसमें से कोई एक सही जवाब होगा। तो ये 20 मार्क्स के क्वेश्चन ऐसे थे, और 80 मार्क्स का जो क्वेश्चन थे वो सब्जेक्टिव थे, कि आप बताइए आपको एक फिल्म आप देखते हो तो आप, मतलब आपकी फेवरेट फिल्म का फेवरेट सीन बताइए, वो फेवरेट सीन आपको क्यों अच्छा लगता है वो बताइए, या आप या आपका जैसे कैमरा का मैं बता रहा हूँ कि आप अपने लाइफ के कोई इंसिडेंट को सिनेमैटिकली बताइए, कि सिनेमा के फॉर्म में बताइए कि कैसे आप शॉर्ट वाइज बताइए, मतलब उसको एज अ सीन ब्रेक डाउन करके बताइए। तो ये सब सब्जेक्टिव सवाल, हाँ ये सब सब्जेक्टिव सवाल ज्यादा होते हैं थे। अभी 50-50 हो गया है, अभी जो करंट पैटर्न है वो 50-50 का है, यानी 50% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस एंड 50% दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। और 50% जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी है उसमें भी पैटर्न काफी चेंज हो गया है। अभी आई थिंक ज्यादातर जनरल नॉलेज की चीजें बहुत पूछते हैं, आपका अपने कल्चरल हिस्ट्री, कल्चर के बारे में, इंडियन कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, ये सब भी अब आने लगा है। तो हाँ, तो अभी थोड़ा सा और वही है, थिएटर में तो होता ही है। तो पहले भी होता था, मतलब हम लोग में भी ऐसे सवाल आते थे लेकिन कम आते थे, अभी थोड़े से ज्यादा हो गए, क्योंकि 50 नंबर के आपको, हाँ 50 मार्क्स से अगर आपको क्वेश्चन प्रिपेयर करने हैं तो आपको डेफिनेटली ये सब डालना पड़ेगा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते हो रिटन एग्जाम में, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अगर आप कैमरा के लिए या साउंड के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको सब कुछ आता है पहले से, तभी आप अप्लाई कर रहे हो, ऐसा नहीं है, कोई भी अप्लाई कर सकता है। हाँ, वहाँ पे आप कोई भी अप्लाई कर सकता है, तो इसलिए वो बहुत ज्यादा टेक्निकल सवाल नहीं पूछते हैं उसमें, जो भी होता है वो जनरल नॉलेज, आपके सब्जेक्टिव, आपकी सोच क्या है उसको देखने के लिए सवाल होते हैं जो 50, हाँ ऑब्जेक्टिव सवाल जो 50% हो गए वो तो अलग है, जो 50% जो आपके सब्जेक्टिव सवाल है उसमें बस आपका विजन, आपकी सोच, वो लोग टेस्ट करते हैं कि आप सिनेमा को कैसे देखते हैं और आप लाइफ को कैसे देखते हैं और आपके जो भी स्किल्स देखते हो, मुझे भी नहीं पता कि एग्जैक्टली क्या पॉइंट वो लोग निकालते हैं आपके आंसर्स में से। उनका अलग ही कुछ पर्सपेक्टिव होता है ना। बिल्कुल।
अच्छा एक सवाल पूछा है कि इस फाइनेंशियल एड प्रोवाइडेड फॉर एडमिशन मे बी बिकॉज ऑफ फीस स्ट्रक्चर के लिए वजह से हो रहा है। फीस तो अभी वहां पे काफी हो गई है। आई थिंक अभी पर ईयर आपका 1,30,000 की फीस हो गई है वहां पे, इंक्लूडिंग आप मतलब ओवरऑल सब कुछ। हाँ एक्सक्लूडिंग फूड कॉस्ट। वहाँ पे आपको हॉस्टल तो, हाँ हॉस्टल तो प्रोवाइड किया जाता है, लेकिन फूड कॉस्ट, मेस कॉस्ट, ये सब उसमें ऐड नहीं होता। तो ट्यूशन फीस और सब कुछ मिला के अभी और 1,30,000 फीस है करेंट सारे स्टूडेंट्स के लिए, हर हर डिपार्टमेंट, हर ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। मतलब क्लियरली तो उतना हो गया। हाँ सेमेस्टर वाइज फीस होती है, सेमेस्टर लेते हैं सेमेस्टर वाइज है, लेकिन ओवरऑल पर ईयर आपका 1,30,000 के अराउंड आता है। और इसमें आपके लिविंग कॉस्ट, फूड कॉस्ट, ये सब इंक्लूडेड नहीं है। एंड कमिंग बैक टू द क्वेश्चन जो आपने पूछा कि फाइनेंशियल एड, तो फाइनेंशियल एड का एडमिशन के टाइम पे क्या मिलता है आई डोंट नो, ये आपको प्रॉस्पेक्टस एक बार देखना पड़ेगा या आपको डायरेक्टली कांटेक्ट करके पूछना पड़ेगा, क्योंकि जहां तक मुझे पता है ऐसा तो कुछ नहीं है। और कैटेगरीज के लिए भी फीस सबकी सेम ही है, कोई रिजर्व कैटेगरीज की फीस अलग नहीं है, सेम है। एंड आफ्टर एडमिशन आपको काफी वहाँ पे मिलने के स्कोप हैं, काफी स्कॉलरशिप्स हैं वहाँ पे, कई तरह के स्कॉलरशिप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट इंटरनल स्कॉलरशिप्स भी हैं जो इंस्टीट्यूट खुद आपको देता है, और एक्सटर्नल कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जो आपको स्कॉलरशिप्स देती हैं, जो मेरिटियस स्टूडेंट्स हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है पूरे सेमेस्टर या पूरे साल, उनको कुछ ना कुछ स्कॉलरशिप मिलती है। जो टॉप स्टूडेंट्स हैं, जो टॉपर्स रहते हैं अपने बैच में ईयर वाइज, उनको फॉरेन एक्सचेंज के लिए भी भेजा जाता है, जो हाँ यूरोप भेजा जाता है उनको, फ्रांस में या चेक रिपब्लिक में प्राग फिल्म स्कूल में भेजा जाता है उनको। एक स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम चलता है, यहाँ के स्टूडेंट वहाँ जाते हैं और वहाँ के कुछ वहां स्टूडेंट्स पे अच्छा यहाँ। जी तो ऐसा कुछ दिनों, कुछ महीनों का, कुछ दिनों का ऐसा होता है, जो मेरिटियस स्टूडेंट्स होते हैं, जो टॉपर्स होते हैं, उनको भेजा जाता है इंस्टीट्यूट की तरफ से, और स्कॉलरशिप्स काफी हैं वहाँ पे, प्रोवाइडेड दैट कि आपका परफॉर्मेंस ओवरऑल अच्छा रहा हो और आपके ऊपर कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन ना हो। सही है। अच्छा अब एक और क्वेश्चन है, पारुल ने पूछा है, वन कैन चूज सम स्ट्रीम बट डज द इंस्टीट्यूट ऑल्सो गाइड इन टर्म्स ऑफ एप्टीट्यूड। मतलब नो मैं एक्टिंग करना चाहती हूँ लेकिन अगर मैं इंस्टीट्यूट को लगे नहीं तू तो डायरेक्शन के लायक है ऐसा, नो मतलब ऐसा आगे भी पूछा है, सेम क्वेश्चन का आगे एक्सटेंशन भी है, वन में लाइक वन स्ट्रीम बट एक्चुअली बी गुड इन अनदर, वही सेम चीज। यस। तो इसका वहां पे जवाब ये मिलेगा आपको कि भाई जो मुझे मिला था कि तो तुमने इसमें क्यों अप्लाई किया, तो हाँ अगर वहां पे बोल ये रहा ऑप्शन, हाँ वहां पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। अगर आपने रिटर्न एग्जाम दे दिया है किसी किसी डिपार्टमेंट के लिए, हूँ। अगर आपने डायरेक्शन का दे दिया है रिटर्न एग्जाम, तो अब वो आपको डायरेक्शन के बेसिस पे ही जज करेंगे, आपको वो नहीं बताएंगे कि ये आपके पास, उसके बाद ऑप्शन नहीं होगा कि आप डायरेक्शन से कैमरा में स्विच कर जाओ या वो जो। हो सकता है कि आपको ओरिएंटेशन में ये रियलाइज हो जाए कि मैं तो इसमें ज्यादा बेटर हूँ, लेकिन फिर आपके पास वहां से कोई ऑप्शन नहीं, मतलब आप या तो छोड़ दो, ड्रॉप कर दो उस ईयर और आप अगले साल फिर नेक्स्ट अप्लाई पे करो कर उस डिपार्टमेंट में। हाँ या तो आप जो एडमिशन जो आपको मिल रहा है वो लो, आप स्विच नहीं कर सकते वहां से। अच्छा मुझे लगता है FTI से रिलेटेड तो बहुत हो गए, अब सिनेमाटोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस पे आ जाते हैं जो हाँ बोलिए। आपकी स्पेशलाइजेशन है। अच्छा जी इसमें पहले अभिषेक ने पूछा है, व्हाइल शूटिंग हाउ वी शुड डिसाइड व्हिच फ्रेम विल बी बेस्ट इन पर्टिकुलर सीन लाइक लेफ्ट साइड, लेफ्ट राइट, अप डाउन, डायगोनल। हाँ ये किसने, अभिषेक ने पूछा है। अभिषेक ने, कैन यू सी दिस क्वेश्चन ऑन स्क्रीन, हाँ मगर वो चले जा रहे हैं तो मैं वापस आऊंगा तो थोड़ा पूछ लेना। सा हाँ स्क्रोल भाई अप करो, स्क्रोल अप करो, स्क्रोल अप हाँ डाउन हाउ कर वी लो। शुड, हाँ
या मिल गया, आईपी पर टच वाइल शूटिंग हाउ स्क्रीन से शुड, होता है काम, टच यस स्क्रीन पे वाइल जाके शूट, ना मिल गया है ना मुझे। वाइल शूटिंग आई विल रीड इट आउट फॉर यू इफ इट्स नॉट विजिबल ऑन योर स्क्रीन, स्क्रीन वाइल शूटिंग मिल गया। ओके यही सवाल का, इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए तो मैं चला गया वहां पढ़ने, और इसी सवाल के पीछे तो मैं अभी भी पढ़ तो ये इसका जवाब बस ये है यार कि ये आपको एक्सपीरियंस से ही समझ में आएगा, क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला नहीं है। आपको नहीं पता कि किसी भी चीज को करने का, कि एक सीन को शूट करने के इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज हैं। जितना भी आप परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन लगा लो, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज किसी सीन को शूट करने के लिए। बट आपको कैसे करना है या उसको शूट करने का सही तरीका क्या है, ये आपको सीन बताएगा। ये सीन ही बताता है आपको कि उस सीन का इमोशन, उस सीन का कंटेक्स्ट पहले के सीन से और बाद के सीन से, वो सीन में किस एक्टर की स्टेटस एक जो होता है ना, एक स्टेटस गेम जो हम लोग बताते हैं कि किस एक्टर को प्रोमिनेंस, किस कैरेक्टर का प्रोमिनेंस है, किस कैरेक्टर का प्रोमिनेंस कम है, ये सब चीजें फैक्टर्स आपको लोकेशन बताती है। आपको तो लोकेशन बताती है कि कैसा शॉट लगाना चाहिए। तो बहुत से फैक्टर्स हैं ये, और ये चीजें सिर्फ आपको सिनेमा देखने से और काम करने से आ जाता है। ये फिर एक इंस्टिंक्टिव आ जाता है। मतलब अब पहले तो मैं यही सोचता रहता था, पहले मैं कुछ मेरे दिमाग में आता था, मैं कुछ लिखता था या मैं कुछ सोचता था कि ये कैसा सीन है तो मैं उसको कैसे शूट करूंगा। तो पहले तो मेरा दिन भर समय इसी में सोचने में चला जाता था कि हाँ यार, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको तो एक ट्रैक शॉट भी हो सकता है, इसको तो ऊपर से भी शूट कर सकते हैं, तो क्या करें। लेकिन जब आप धीरे धीरे काम करने लगते हो और आपको मतलब समझ में आने लगता है किसी शॉट के पीछे का एक मतलब क्या होता है, कि एक वाइड एंगल लगा है तो क्यों लगा है, क्लोजअप लगा है तो क्यों लगा है, मूवमेंट है कैमरा में तो क्यों है, नहीं है तो क्यों है, शेक है, हैंडल्ड है तो क्यों है, हर चीज का एक सिनेमा में मतलब होता है। जो भी अच्छे डायरेक्टर्स हैं, मास्टर्स हैं, उनके तो हर एक मूवमेंट में, अगर पूरे टाइम कैमरा ऐसे है और लास्ट के 2 सेकंड में कैमरा ऐसे हो गया, तो उसका भी एक मीनिंग होगा उसके पीछे, ऐसे ही उन्होंने नहीं किया होगा। तो ये सब समझने, ये सब देख देख के आपको समझ में आता है। आप उसको देखिए, उसके बारे में पढ़िए कि अच्छा वो डायरेक्टर ने ऐसा क्यों किया, तो आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। मोस्टली इसका जवाब हर इंसान को खुद से ढूंढना पड़ेगा, कि अगर आप सिनेमा में इंटरेस्टेड हैं, आपको इस सवाल का जवाब चाहिए सच में कि एक सीन को कैसे शूट करें, तो उसका जवाब आपको खुद से ही ढूंढना पड़ेगा। क्योंकि और इसी से ही एक डायरेक्टर का, एक कैमरामैन का सिग्नेचर बनता है। क्योंकि आप देखें कि कुछ डायरेक्टर्स, मतलब कुछ डायरेक्टर्स तो ऐसे हैं जिनके फिल्म देख के ही आपको समझ में आ जाता है कि हाँ, ये इस डायरेक्टर की फिल्म है। आपको नाम ना भी पता हो तो भी आप देख के, फ्रेम देख के बता सकते हो कि अरे ये तो उसकी फिल्म लग रही है। तो वो एक उनका, हाँ जी, बहुत से मास्टर्स हैं, बहुत से जी मास्टर्स हैं, पता लगता है कि इन्हीं का मास्टरपीस है। हाँ जी, तो इन मास्टर्स के आप फ्रेम्स, फ्रेमिंग देख के ही आप समझ जाते हो या म्यूजिक सुन के समझ जाते हो कि हाँ, ये तो उनकी फिल्म है। तो वो क्यों होता है? वो इसीलिए होता है क्योंकि उन्होंने एक अपना एक फॉर्म डेवलप किया होता है, एक अपनी अंडरस्टैंडिंग, एक मीनिंग डेवलप किया होता है खुद से उस अपने, उनका सिनेमा फॉर देमसेल्फ, उनका सिनेमा क्या है। और ये तो हर आर्टिस्ट की एक खोज होती है कि हर आर्टिस्ट क्या खोजता है, बस अपना, अपनी यूनिक वॉइस खोजता है पूरी लाइफ, कि मेरी यूनिकनेस क्या है। एक आर्टिस्ट की अपनी यूनिकनेस क्या होती है, उसकी अपनी वॉइस क्या है, वही वो ढूंढना चाहता है। तो हो सकता है कि अभिषेक को जब ये जवाब मिल जाए तो वो कुछ ऐसे कुछ तरीका इजाद करें, उनके शॉर्ट टेकिंग ऐसी हो कि वो लेजेंडरी हो जाए, वो उनके सिग्नेचर हो जाए कि ओ, वो अभिषेक शॉर्ट है ये। तो ऐसा बहुत, तो ऐसा बहुत से पॉसिबिलिटीज हैं। हम सब लोग इसी में लगे हुए हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं बहुत लोग। ये तो होता है, ये आपका डेवलपिंग योर ओन स्टाइल है बेसिकली, है ना। बट जो आप सीख
लिखते हैं उसमें भी आपको कुछ ऑप्शंस दिए जाते होंगे कि या दीज आर मेथड फॉर्मूला सॉर्ट ऑफ थिंग्स आर वेरी मच देयर ना थिएटर में भी है. हाँ, तो वो क्या होते हैं जो बेसिक्स होते हैं. हाँ राइट, ये मैंने मेरी थोड़ी गलती होगी, मैंने ब्रेकिंग द रूल पहले बता दिया, फॉलोइंग द रूल अब मैं बोल देता हूँ कि वही है कि पहले किसी भी रूल को ब्रेक करने के लिए रूल समझना पड़ता है. तो हाँ रूल्स हैं, डेफिनेटली रूल्स हैं, एक किसी सीन को शूट करने के एक फिक्स्ड फॉर्मेट्स तो हैं जो फुल प्रूफ है वो कि अच्छा आप ये सीन ऐसे शूट करोगे तो उसका इम्पैक्ट निकलेगा ही निकलेगा. जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं जो हमें समझ में आ गए हैं इतने साल ऑफ 100 years ऑफ सिनेमा के बाद कि हाँ अगर हम ऐसे करेंगे तो इसका ये रिजल्ट तो आएगा. जो हम लोग आज देखते हैं सिनेमा, आज हम लोग मोस्टली जो देखते हैं वो क्या होता है, वो सब सेफ फिल्म्स एक ही जैसे दिखती हैं, उनका कलर भी एक ही जैसा होता है, उनके डायलॉग्स भी एक ही जैसे होते हैं. वो सब जो 90% फिल्म्स हैं, मैं वो 10% की बात नहीं कर रहा हूँ जो आगे चल के क्लासिक्स बन जाएंगे, उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जो वो 90% फिल्म्स है वही. और ये हमेशा से होता आ रहा है, ये आज का कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि आज का सिनेमा खराब हो गया, ऐसा नहीं है, ये हमेशा से ही है कि जो 90% जो काम होता है वो सेम होता है, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट. आपको समझ में नहीं आएगा कि ये फिल्म में और उस फिल्म में डिफरेंस क्या है. हाँ तो वो लोग वही कर रहे होते हैं, वो लोग जो ट्राइड एंड टेस्टेड. आवाज कम हो गई. मेरी आवाज कम हो गई. तो मैं क्या कह रहा था कि हाँ जो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूलाज हैं, ट्रेनिंग मतलब ड्यूरिंग ट्रेनिंग आपको जो होता होगा एक करिकुलम की तरह. हाँ तो वो तो जैसे तो हम लोग को है ना, हाँ तो करिकुलम में तो वही बताया जाता है, हम लोग को सिनेमा दिखा के बताया जाता है कि देखो ये जो है ये डायरेक्टर ये सीन ऐसे शूट करते हैं, या ये सीन जो है देखो इसको ऐसे शूट किया जाता है. और जब हम अपनी एक्सरसाइजेस करने पे आते हैं, जब आपको पहले छोटे छोटे एक्सरसाइजेस दी जाती हैं हमें कि 3 शॉट में आपको अपनी कहानी कहनी है या 10 शॉट में आपको अपनी कहानी कहनी है, विदाउट एडिटिंग अपनी कहानी कहनी है, तो ऐसे बेसिक एक्सरसाइजेस से शुरू करते हैं. एंड तो करके सीखने वाला मेथड अपनाया जाता है वहां पे कि कर करके सीखो. पहले आपको थोड़ा बहुत क्लास में बता देते हैं थ्योरी कि ऐसा होता है. देखिए हर चीज के रूल्स हैं, कैमरा में कुछ रूल्स हैं, कॉम्पोजिशंस हैं, कॉम्पोजिशन है, कलर है, जो एक लेंसिंग है, तो ये सब चीजें हैं एक कैमरा, जो एक कैमरा से रिलेटेड चीजें हैं. इसी तरह से डायरेक्शन से रिलेटेड चीजें हैं कि एक्टर को कैसे शो करना है, किसी एक्टर का इमोशन कैसे शो करना है, सीन का इमोशन कैसे निकालना है, ये एक डायरेक्टर की ट्रेनिंग है. तो ये सब जो चीजें हैं, जो फॉर्मूलाज हैं, वो सब बताए. एकदम सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर एक साउंड डिजाइनर की मैं बात करूँ कि साउंड के एस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ, तो एक ट्राइड एंड टेस्टेड जो फॉर्मूला है जो हमें पता है कि जैसे हॉरर फिल्म है या रात का सीन है, तो हमें पता है कि हाँ रात का सीन है. अगर आपने दिन में भी शूट किया है एक कमरे के अंदर, ठीक है, अगर आप पीछे बाहर क्रिकेट्स की आवाज डाल दो, झिंगूर की आवाज डाल दो साउंड ट्रैक में, तो वो रात हो जाता है, अपने आप ही रात हो जाती है. ऑडियंस के दिमाग में जो साउंड का सेंस जाता है वो लगता है कि ओके ये रात का सीन है. अगर मैं किसी सीन को रात को शूट करके बाहर दिन का हसल बसल वाला साउंड डाल दूं, मंदिर की घंटी डाल दूं, लोगों का आना जाना डाल दूं, बातचीत करना डाल दूं सिर्फ साउंड में, तो वो लगता है कि एक दिन का सीन चल रहा है बाहर. तो ये चीटिंग है और ये रूल है, और ये रूल्स भी हैं, मतलब हमें चीटिंग करना ही सिखाया जाता है. फिल्म मेकिंग इज चीटिंग, और हमें चीटिंग करने के सारे रूल्स बताए जाते हैं कि देखो ऐसा करोगे तो ऑडियंस को लगेगा कि ये है. तो ऐसे ही बताया जाता है हमें कि हाँ ये करना है, रात को दिन कैसे बनाना है, दिन को रात कैसे बनाना है,
और छोटी जगह को बड़ा कैसे दिखाना है, बड़ी जगह को छोटा कैसे करना, तो वो रात हो जाता है, अपने आप ही रात हो जाती है। ऑडियंस के दिमाग में जो साउंड का सेंस जाता है वो लगता है कि ओके ये रात का सीन है। अगर मैं किसी सीन को रात को शूट करके बाहर दिन का हसल बसल वाला साउंड डाल दूं, मंदिर की घंटी डाल दूं, लोगों का आना जाना डाल दूं, बातचीत करना डाल दूं सिर्फ साउंड में, तो वो लगता है कि एक दिन का सीन चल रहा है बाहर। तो ये चीटिंग है और ये रूल है, और ये रूल्स भी हैं, मतलब हमें चीटिंग करना ही सिखाया जाता है। फिल्म मेकिंग इज चीटिंग, और हमें चीटिंग करने के सारे रूल्स बताए जाते हैं कि देखो ऐसा करोगे तो ऑडियंस को लगेगा कि ये है, तो ऐसे ही बताया जाता है हमें कि हाँ कि ये करना है, रात को दिन कैसे बनाना है, दिन को रात कैसे बनाना है, और छोटी जगह को बड़ा कैसे दिखाना है, बड़ी जगह को छोटा कैसे करना है। बेसिकली सपनों के सौदागर बनाना सिखाया जाता है ना वहाँ पे। अच्छा एक और है सवाल, ये किसने पूछा है देखना पड़ेगा मेरे को, रोहित ने ही पूछा है, व्हाट आर द न्यूसेंसेस यू लुक इन एक्टर इन फ्रंट ऑफ कैमरा, आई मीन आगे भी उसने क्लियर किया है, आई मीन हाँ व्हेन यू आर शूटिंग अ सीन विद एन एक्टर। ओके समझ गया ना। तो नुआंसेस ऑफ एन एक्टर, ओके कैमरा के लिए एक्टर, ओके ठीक है। तो इसमें कई चीजें, वही दो फैक्ट, मैं हर चीज को दो भाग में डिवाइड कर देता हूँ, पर्सनल एंड प्रोफेशनल। तो एक एक्टर के नुआंसेस कैमरा के सामने, सबसे पहले तो एक एक्टर जो है वो डिसिप्लिन्ड हो अपने क्राफ्ट में और अपने काम में और एज अ पर्सन। मतलब देखिए कोलैबोरेटिव आर्ट है, तो हर किसी हर कोई कोशिश करते कोशिश करे कि हम लोग एक दूसरे को हेल्प करके ऊपर की तरफ बढ़े तो अच्छा लगता है सबको। और अगर कोई कोशिश चाहते या ना चाहते हुए ऐसा करने लगे कि वो काम नीचे आने लगे तो किसी को अच्छा नहीं लगता, सबका एक मूड ऑफ हो जाता है। तो एक एक्टर में सबसे पहले तो आपके क्राफ्ट की बात तो अभी आप छोड़ दो, वो उस पे बात में आते हैं, आप कितने अच्छी एक्टिंग करते हो ये तो सेकेंडरी है। सबसे पहले तो आप टीम के साथ कैसे जेल हो रहे हो। आप जेल होने का मतलब ये नहीं कि सबसे बातचीत कर रहे हो, हाय हेलो हाय बाय ये सब नहीं। जेल होने का मतलब कि आप उस वाइब, जो उस सेट की वाइब है या उस सीन की जो वाइब है, आप उसके साथ रहो। अगर एक सीन, हाँ अगर एक सीन चल रहा है सीरियस है, सब लोग सीरियस हैं, और आप उसमें अगर आके उस इन्वायरमेंट को ब्रेक कर रहे हो, उस वाइब को ब्रेक कर रहे हो, तो आप फिर सबको नीचे ला रहे हो, तो ये नहीं करना चाहिए। और कोशिश करें कि आपके काम से लोग और इंस्पायर्ड हों, आप ऐसे बिहेव करिए, अपना डिसिप्लिन ऐसा रखिए, अपना जो ऑरा है अपना ऐसा रखिए कि सबको मोटिवेशन मिले कि हम लोग और अच्छा करें। मतलब वहां की उस जगह की जो भी सीरियसनेस है या उस जगह की जो भी वाइब है उसको मेंटेन करके रखना, उस सीन की, उस सेट की। और आई बात आपके एक्टिंग के नुआंसेस की, तो एक्टिंग के नुआंसेस की तो वही है, मतलब आपको अपने क्राफ्ट पहले तो पता होना चाहिए, फिल्म एक्टिंग ही हो रही है तो हाँ। अब देखिए फिल्म क्या है, फिल्म इज एक्चुअली सेट टू बी अ बिजनेस। तो और यहाँ पे बिजनेस है तो वही है, प्रॉफिट एंड लॉस मार्जिन होता है बिजनेस में। और लॉस कहाँ होता है, लॉस होता है टाइम का। जितना आप टाइम ज्यादा जाएगा आपका शूटिंग में तो उतना ही लॉस में फिल्म जाने लगती है, या आपका हर दिन का हर एक मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए एक्टर से भी ये उम्मीद होती है कि वो अपना काम जो है वो जल्दी कर दे, तो उसकी प्रिपरेशन, अपनी होमवर्क वो करके आए, उसको लाइंस याद हो, उसको डायरेक्टर ने जो पहले का ब्रीफ दिया हो उसको पता हो, उसको याद हो। वो आके सेट पे ऐसा ना करे कि अरे ओ अच्छा ये मेरी बहन है क्या, ऐसा ना करे। उसको पता होना चाहिए कि वो क्या शूट करने आया है, क्या हो रहा है उसके आसपास, क्या हो रहा है। और रोल होने से पहले, कैमरा रोल होने से पहले ही उसके जितने भी क्यूरियोसिटीज हैं, उसको जो भी सवाल हैं वो पहले ही कर ले, रिकॉर्ड
राइट कि अगर अगर उसको कुछ सही नहीं लग रहा है कि अगर वो अनकंफर्टेबल है वो करने में, कोई सीन करने में कोई एक्टर अगर अनकंफर्टेबल फील कर रहा है कि ये कैमरा मेरे बहुत क्लोज है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, या ये सीन यहाँ की जगह कहीं और हो सकता है क्या, ये सब जो भी बातें हैं या जितने भी आपके प्रॉब्लम्स हैं, ये आप रोल होने से पहले कर लो, टेक होने से पहले कर लो, तो सबको बड़ा अच्छा लगता है. मतलब अगर आप सपोज करिए आपके एक एक सेट को, एक सीन को लाइट करने में काफी टाइम जाता है, और उस पूरा लाइट करने में, सब कुछ टेक्निकली सेट करने में एक पूरे टीम का एक मेहनत और टाइम जाता है, और सब कुछ सेट होने के बाद अगर एक्टर आके बोले कि यार यहाँ पे मजा नहीं आ रहा है, यहाँ पे हो नहीं पा रहा है, कुछ और करते हैं या कहीं और करते हैं, तो फिर अब पूरे टीम का एक समय जाएगा उसको शिफ्ट करने में. या एक तो बहुत बड़ा एग्जांपल है, हाँ ऐसा ऐसा में बहुत नहीं होता है, ऐसा बहुत बहुत कम होता है. जनरली लोग प्रोफेशनली ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता. मैं कह रहा हूँ कि करना नहीं चाहिए. अगर कभी ऐसा करने का मन करे तो आप सोच लो कि मैं इसको अवॉइड करूं. आपको मतलब इन शॉर्ट आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए, आपका होमवर्क पहले से डन होना चाहिए, आपके लाइंस आपको याद होने चाहिए, आप रिहर्सल कर लो अपने को एक्टर के साथ, अपने डायरेक्टर के साथ, सब कुछ कर लो. क्योंकि टेक्निकल क्रू ना वो बहुत ही निर्दयी होता है. मतलब जब आप डायरेक्टर के साथ तो आप बात कर रहे होते हो, उधर साइड में बैठ के एक्टर और डायरेक्टर और एक्टर साहब में से तो बात कर रहे होते हो, और उधर जो क्रू है, जो लाइट बॉयज हैं, जो स्पॉट बॉयज हैं, जो साउंड वाले हैं, जो ग्रिप वाले हैं, वो लोग आपस में बैठ के आपकी बुराई कर रहे होते हैं कि इसके वजह से तो देखो इतना टाइम चला गया, उसके वजह से तो इसको तो कुछ आता ही नहीं है, इसको इससे अच्छा कमाई कर लूं. तो ये सब बातें होती हैं जो हम लोग फिल्म में भी देखते हैं ना, फिल्म की शूटिंग हो रही है और एक एक्टर को सब गालियां दे रहे हैं, तो वो होता है, सच में होता है. आप मतलब ऐसा लाउड नहीं होता है लेकिन पीठ पीछे होता है, तो उसका ध्यान रखिए. और हाँ मतलब इरिटेशन नहीं होना चाहिए लोगों को कि यार छोटा सा तो काम है, क्यों नहीं हो रहा है इससे. हो सकता है कि वो जो छोटा सा काम है वो बहुत बड़ी चीज हो एक्टिंग के लिए, वो एक्टर से नहीं निकल रहा हो अंदर से, तो एक कप भी उठाना उसको मुश्किल लग रहा हो कि उस सीन में. लेकिन ये सब जो भी चीजें हैं ये आप सॉल्ट करो, या अपना एक आपको अपना एक प्रोसेस बनाना पड़ेगा कि ये सब जो जैसे भी करके आप ऑन द सेट इसको जल्दी जल्दी कैसे टैकल कर सकते हो, क्योंकि सेट पे टाइम वेस्ट करना सबसे बड़ा गुनाह है इस फील्ड में. हम लोग टाइम की सबसे ज्यादा वैल्यू है, टाइम वेस्ट करना एक मिनट के लिए भी टाइम वेस्ट करना इज क्राइम. कई लोग जुड़े होते हैं ना आपसे, आप अकेले नहीं. राइट हर चीज, क्योंकि हर चीज वहां पे मीटर पे चल रही होती है, हर चीज का पैसा मीटर पे जा रहा होता है. जो अगर आप स्टूडियो में शूट कर रहे हो तो स्टूडियो का पैसा पर डे जा रहा है, कैमरा का पैसा पर डे जा रहा है, लाइटिंग का पैसा पर डे जा रहा है, सब कुछ वहां पे रेंटेड होता है. लोगों को जो सैलरी मिल रही है वो पर डे जा रही है. तो आपके काम से एक एक मिनट, अगर आप रोज 15-15 मिनट आपकी वजह से जा रहा है और 40 दिन के शेड्यूल में आपके वजह से 2 घंटा एक्स्ट्रा चला गया, तो एक दिन की शिफ्ट बढ़ गई, एक दिन की शिफ्ट बढ़ गई, मतलब लाखों का खर्चा आ गया, करोड़ों का खर्चा भी हो सकता है वो एक बड़ी फिल्म में. तो ऐसा आपको लगेगा कि हाँ मैं तो एक मिनट बात ही कर ली, लेकिन प्रोड्यूसर को वो समझ में आता है. अब जो बहुत दयालु लोग होते होंगे उनको मैटर नहीं करता, या बहुत बड़े एक्टर हैं तो वो कुछ भी कर सकते हैं, उनको कोई मैटर नहीं करता. लेकिन जब आप स्टार्ट कर रहे हो स्टार्टिंग फेजेस में, तो ये इस बात का ध्यान रखें कि आपका प्रिपरेशन, आपका होमवर्क इतना सॉलिड हो कि आप जाओ और अपना काम फटाफट करके निकालो. जो वन टेक आर्टिस्ट बोलते हैं ना, वो बनना है, बस जाओ और वन टेक दो निकल जाओ. वहां पर फिल्म में थिएटर में फुटेज खाना है और फिल्म में फुटेज नहीं खाना है, बस सीधी बात. मुझे भी अच्छा नहीं लगता, मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब कोई खाता है. लेकिन जो कुछ आप रिहर्सल के दौरान करते हो उसका 50% ही जाके वहां पर हो पाएगा. इस वजह से वैसे मैं मानती हूँ कि 50% देना चाहिए, 100% ही दो जितना दे सकते हो, बट आप तो यहाँ पर पहले ही बहुत कड़ाई रखती हूँ.
मेरा तो बिल्कुल नहीं, कोई फुटेज मैं खाने नहीं देती, फिर जो मेरे साथ ग्रुप में है ना वो जानते हैं कितनी फुटेज उनको मिलती है। ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि इसमें निर्दयी होना पड़ेगा तभी आप मजा कर पाओगे, है ना। कहते ना एक बॉडी बिल्डर को पहले अपने आप को तकलीफ देनी पड़ती है तब जाके उसको एक खूबसूरत बॉडी मिलती है, एक सिंगर को पहले अपने गले को बहुत तकलीफ देनी पड़ती है उसके बाद वो अच्छा गा सकता है, एक डांसर को पहले बहुत तकलीफ झेलनी पड़ती है उसके बाद वो परफॉर्मेंस को खुद एंजॉय करता है और फिर दूसरा कर सकता है। तो इसलिए कोई रियायत तो कहीं भी बरती, जो अगर जहाँ रियायत बरती गई ना वो हमारे अगेंस्ट ही जाएगी, करेक्ट, वो आपको ग्रो होने नहीं देती है। तो अच्छा अब मैं एक जानना चाहती हूँ कि पहले बिफोर मतलब बिहाइंड द कैमरा आपने एक्टिंग की हुई है, उसके बाद भी आफ्टर बिकमिंग ये सिनेमेटोग्राफर आपने एक्टिंग की, और अगर की तो आपको कुछ डिफरेंस लगा उन दोनों में, जो पहले वाली और उसके बाद वाली? मुझे याद नहीं आ रहा। नहीं, कैमरा एक्टिंग मैंने नहीं की, मतलब सिनेमाटोग्राफी करने के बाद FTI से ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने कैमरा के लिए एक्टिंग नहीं की। उस समय की थी जरूर, जब इंस्टीट्यूट में था मैं तो हम लोग आपस में जो एक्सरसाइजेस शूट करते थे तब तो मैंने की है उस समय इंस्टीट्यूट में, लेकिन उसके बाद इंस्टीट्यूट से पास आउट होने के बाद आई डोंट थिंक मैंने कैमरा के लिए एक्टिंग की है। हाँ, मैंने उसके बाद एक दो प्लेस किए और थिएटर किया है मैंने उसके बाद। तो थिएटर में आपको क्या फर्क लगा उसके बाद? कैमरा ट्रेनिंग का थिएटर के एक्टिंग से कोई कुछ लेना नहीं, नहीं नहीं। जैसे आपने पहले भी जैसे कुछ एक्टिंग्स और जो स्टार्टिंग में आपने किया था व्हेन यू आर डूइंग थिएटर इन बनारस, तो वहां पर जो कोई पिक मांग गई या कुछ हो गया तो उसमें आपने किए काम, सीरियल वगैरह में जो भी हुआ, तो उस वक्त आपने जो कैमरा फेस किया और आप वाइल डूइंग सिनेमाटोग्राफी या उसके बाद ना किया बट वाइल डूइंग सिनेमाटोग्राफी आपको क्या फर्क लगा? क्योंकि व्हेन यू आर बिहाइंड द कैमरा तो आपका एक नजरिया बदल जाता है ना। डेफिनेटली ओके, अब मैं समझ गया कि आप क्या बात कर रहे हैं, राइट। तो हाँ, तो मैं इसका पूछ ये रहे हो कि अभी तक तो मैं एज अ कैमरामैन बता रहा था, अब मैं आपको एज एन एक्टर बताऊं कि कैमरा सीख के मुझे एक कैमरामैन के पर्सपेक्टिव से मैं एक्टिंग को कैसे देखूं, सॉरी एक एक्टर के पर्सपेक्टिव से मैं मुझे जो कैमरा का नॉलेज मिला है वो मैं क्या बता सकता हूं। ओके, तो हाँ राइट, तो लेट मी थिंक, राइट, जो बातें मैंने अभी आपको बताई कि जो भी मैंने अभी आपको जो सेशन में बताया कि एक एक्टर को अकॉर्डिंग टू अ कैमरामैन क्या, अकॉर्डिंग टू अ टेक्नीशियन एक्टर को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो सब बातें मैंने भी सीखी हैं। मतलब मुझे वो करके ही जब बिहाइंड द कैमरा में गया तो मुझे वो सब, ये सब जो बातें मैं बता रहा हूँ वो मुझे बिहाइंड द कैमरा जाने के बाद ही समझ में आया। तो वो सब मैंने अप्लाई करने की कोशिश की मैं जितना कर सका, और वही है टेक्निकल चीजें हैं कि लाइट कहाँ रखी है, लाइट का ध्यान देना है, कैमरा किस साइड है, तो कैमरा किस साइड है तो मुझे किस लुक की तरफ परफॉर्म करना है, मेरा लुक क्या होगा, मतलब क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि चीटिंग करते हैं ना, तो चीटिंग में ये होता है कि सामने कोई नहीं है फिर भी मुझे बात करनी है, कैमरा को एज अ को एक्टर मान के मुझे कैमरा से बात करनी है, या मुझे लुक चीट करना है, बहुत टेक्निकल चीजें हैं ये कि अगर आपका कैमरा यहाँ है आपके लेफ्ट साइड में है और आप राइट साइड में देख रहे थे, फिर अगर कैमरा सामने आ जाएगा तो आप उसी पॉइंट पे नहीं देख रहे होगे, आपको अपना लुक चीट करना पड़ेगा और टुवर्ड्स योर राइट देखना पड़ेगा फ्रॉम द ओरिजिनल पॉइंट, तो आपको चीट करना पड़ता है अपना लुक। तो ये सब टेक्निकल चीजें हैं जो एज अ कैमरामैन एज अ फिल्म बिहाइंड द कैमरा रह के मुझे समझ में आई कि अच्छा एक्टर को ये सब भी करना होता है, जो उस समय एक्टिंग करते हुए तो पता था लेकिन उसकी टेक्निकलिटी नहीं पता थी कि अच्छा कितना करने से कितना होता है, क्योंकि बहुत सा टाइम इसमें भी चला जाता है कि एक्टर को लुक बताने में, या जो नए एक्टर्स होते हैं उनको कैमरामैन को या असिस्टेंट डायरेक्टर्स को या असिस्टेंट कैमरामैन को समझाना पड़ता है कि आपका आपको इधर देखना पड़ेगा, आपको उधर देखना पड़ेगा, अभी कैमरा इधर शिफ्ट हो गया है तो आपका लुक उधर जाएगा, जो एक्सपीरियंस एक्टर होते हैं वो सब ये इन सब चीजों को खुद ही समझ लेते हैं कि अच्छा अगर कैमरा इधर था
अब कैमरा इधर अगर इतने डिग्री कैमरा शिफ्ट हुआ है तो मेरा लुक इतने डिग्री शिफ्ट हो जाएगा, या अगर मेरा को एक्टर किस जगह पे कैमरा आ गया है तो मेरा मेरे को एक्टर की आंख का लुक कहाँ रहेगा, वो एक्सपीरियंस एक्टर को पता हो जाता है और शुरुआती फेज में जो होते हैं उनको बताना पड़ता है, विच इज ऑल्सो राइट. मतलब जब तक आप सीखोगे नहीं कोई आपको बताएगा नहीं तब तक आप सीखोगे कैसे. तो ये सब छोटी छोटी टेक्निकल चीजें हैं. ये भी कम्प्लीटली करने वाली कला विद्या है, करने से ही आती है, परफॉर्मिंग आर्ट है ये भी. तो चाहे आप टेक्निकल हो, चाहे आप टेक्निकल फील्ड में हो, चाहे आप एज अ परफॉर्मर हो, एज एन एक्टर हो, या आप एज अ डायरेक्टर हो, ये सब सिर्फ प्रैक्टिसिंग चीजें हैं. आप जितना करोगे आपको उतना आएगा. राइटिंग है, जितना आप लिखोगे आप उतना फाइन करते जाओगे अपनी राइटिंग को, अपने क्राफ्ट को, आप उतने कम में उतना अच्छा लिखोगे. तो दीज आर ऑल प्रैक्टिसिंग फॉर्म्स ऑफ आर्ट एंड देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स. नहीं, मुझे लगता है कि जैसे कॉम्प्लीमेंट्री है कि भाई आप जब कैमरा के पीछे हो तो आपको सब पता चलता है कि अच्छा मुझे ऐसा करना चाहिए था, एंड देन व्हेन यू गो इन फ्रंट ऑफ कैमरा तो आप वो चीज अप्लाई करते हो, और जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यू कैन विजुअलाइज कि कैमरा के पीछे वाले को वो कैसे नजर आ रहा होगा, है ना. right, तो वो right, आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है ना. अच्छा, अभी एक और है, पूछा इन्होंने कि आर यू सेटिस्फाइड विद द ट्रेनिंग प्रोवाइडेड एट FTII. ओके, ठीक है. तो ये पर्सनल सवाल है एंड यस आई एम डेफिनेटली 100% सेटिस्फाइड, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो होके गया था वहां पे. मुझे जब मैं गया था तो मुझे कुछ नहीं आता था, और मैं जब निकला हूँ तो मुझे काफी कुछ सीखने को मिला. एटलीस्ट मुझे ये पता चला कि मुझे सीखना क्या है, क्या क्या चीजें मुझे और पढ़नी है, क्या जानना है, अपने जो क्यूरियोसिटी है उसको किस तरफ डायरेक्शन देना है, वो सब मुझे काफी जानने को समझने को मिला एक साल में. बहुत लोग का मतलब ये तो बहुत ही मुश्किल है ऐसे लोगों को नाम बताना जो कहेंगे कि नहीं मुझे कुछ सीखने को नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कोई नहीं होता जो FTII या NSD से निकल के बोले कि अरे बर्बाद है, कुछ नहीं है, मत करो, ऐसा कोई नहीं है. कोई नहीं होता, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ तो मिलता ही है. अगर आपको सपोज, क्योंकि वहां पे बहुत से कैमरा की अगर मैं बात करूं तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे थे जो ऑलरेडी बहुत काम करके आ चुके थे, बहुत काम किया था उन्होंने एज एन असिस्टेंट, एज अ कैमरामैन, उन्होंने बहुत काम किया था, उनको बहुत कुछ ऑलरेडी पता था, लेकिन फिर भी उनसे भी आप पूछेंगे तो वो ये नहीं, हाँ उनको वो उनसे भी आप पूछोगे तो वो ये नहीं कहेंगे कि नहीं नहीं मेरा तो बर्बाद हो गया यार, एक साल बर्बाद हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, सब बर्बाद हो गया. कोई नहीं कहेगा ये, क्योंकि ये इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ आप जाते हो सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं, तो यहाँ जाके आपको सिर्फ नॉलेज नहीं मिलता, नॉलेज तो मिलता ही है आपको, आपका एक सोच का दायरा बढ़ जाता है. आप अपने जिस भी जगह से आप आते हो, जैसे मैं बनारस से आता हूँ, तो मेरी बिफोर FTII एंड आफ्टर FTII सोच बहुत बदल गई, क्योंकि मैं देश के अलग अलग कोनों से आए हुए लोगों से मिला, उनके क्या थॉट प्रोसेस है, वो क्या सोचते हैं, वो कैसा, उनके लिए सिनेमा क्या है, उनके लिए आर्ट क्या है, उनके लिए सोशियो पॉलिटिकल जो हमारा इन्वायरमेंट है वो कैसे देखते हैं. क्योंकि हम लोग तो जैसे मैं बनारस से हूँ, नॉर्थ इंडिया से हूँ, आप नॉर्थ इंडिया से हो, दिल्ली में हो, तो हम लोग अपने अपने एरिया का तो हमें पता होता है सोशियो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल क्या सिचुएशन है, मगर हमें अब साउथ का नहीं पता, हमें नॉर्थ ईस्ट का नहीं पता कि वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे लोग क्या सोचते हैं. तो जब आप ऐसे लोगों के साथ, पूरे इंडिया के लोगों के साथ आते हो कुछ, और फॉरेन स्टूडेंट्स भी आते हैं FTII में, हम लोग के टाइम पे तो कोई नहीं था लेकिन होते हैं फॉरेन, मतलब FTII इज ओपन टू फॉरेन नेशनल्स, आप आ सकते हो, कोई भी आ सकता है. तो आप तो देश दुनिया के लोगों के साथ बैठने का वहां पे मौका मिलता है, आपका एक सर्कल बनता है, आप जो बातें या जो जिस तरह के आप आर्ट कंज्यूम कर रहे थे या जिस तरह का आप आर्ट प्रैक्टिस कर रहे थे उससे इतर हटके आपको एक अलग आपका स्कोप खुलता है, आपका नॉलेज का स्कोप खुलता है ऐसे इंस्टीट्यूट में आके. आपको पता चलता है ओ ये भी एक ऐसा भी होता है यार, ये ऐसा भी सिनेमा होता है. मैं अपनी बात बताऊं तो मैं ऑलरेडी काफी वर्ल्ड सिनेमा देख के गया था, मैं मतलब मैंने फिल्म देखने के अलावा लाइफ में कुछ किया नहीं, तो
मैं ऑलरेडी जब FTI में गया था तो मैं ऑलरेडी बहुत कुछ देख के गया था, वर्ल्ड सिनेमा हर लैंग्वेज का सिनेमा मैं थोड़ा थोड़ा देख के गया था, फिर भी इतना देख के जाने के बाद भी वहां जाके मुझे पता चला कि ओ इस लैंग्वेज में भी फिल्म बनती है क्या, ये मुझे नहीं पता था। ओ ऐसे वहां पे जाने के बाद भी मुझे 50 डायरेक्टर पता चले जो बहुत अच्छी फिल्म जो बनाते हैं और आज भी पता चलते रहते हैं। तो आप अगर ये मान के कोई बैठा है कि मुझे बहुत आ गया, मैंने तो बहुत सीख लिया, मुझे सब आ गया और ऐसे इंस्टीट्यूट में जाके कोई फायदा नहीं है, तो ऐसा नहीं है, फायदा तो कुछ ना कुछ होता ही है। मैं इस पॉइंट को नहीं जोर दे सकता कि हो सकता है कि आपको वहां से आपके फील्ड का नॉलेज ना मिले, हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत अच्छा डायरेक्टर हो सकता है आप ऑलरेडी बहुत अच्छे एक्टर हो, आपको वहां जाके कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन आपके क्राफ्ट को लेकर हो सकता है आप कुछ नया सीखने को ना मिले। लेकिन इतना तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि एज अ पर्सन आप में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा, आपके पर्सनैलिटी में, आपके नॉलेज में, आपके नजरिए में कुछ ना कुछ तो चेंज आएगा ही आएगा जब आप 1 साल 3 साल ऐसे एक ग्रुप के साथ रहोगे जिसमें पूरे इंडिया का कल्चर है, हर तरह की फिल्में की, फिल्मों की, हर तरह की म्यूजिक की, हर तरह के आर्ट फॉर्म्स की बातें होंगी, कोई बैठ के रात को 3 बजे स्कल्पटिंग कर रहा होगा, कोई पेंटिंग बना रहा होगा, कोई 4 बजे म्यूजिक बजा रहा होगा, गिटार बजा रहा होगा कैंपस में बैठ के। तो जब आप ये सब चीजें देखते हो तो आपको तो आपका एक नॉलेज का और एक सोचने का एक स्कोप खुलता है कि ऐसा भी हो सकता है जो आप कभी अपने एरिया में अपने जगह पे बैठ के आप नहीं सोच सकते। अच्छा एक सवाल और आया है, अभिषेक ने पूछा है व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर एन लास्ट इम्पोर्टेंट एवरी एक्शन एंड जेस्चर इन पर्टिकुलर सीन व्हाई वी हैव रिपीट ईच एवरी पीस इज टाइम्ड विद एग्जैक्टली सेम एक्शन ओके टेक्निकल सवाल है ये समझ गया मैं कि ये पूछ रहे हैं कि जैसे टेक्स होते हैं रीटेक्स होते हैं तो एक एक्टर को ये क्यों कहा जाता है कि आप सेम एक्शन करो जो आपने पिछले टेक में किया है। तो ये पूरी तरह से सही नहीं है आई थिंक, क्योंकि बहुत ये डायरेक्टर डायरेक्टर पर डिपेंड करता है, बहुत से डायरेक्टर्स छोड़ देते हैं, मतलब वो नहीं प्रेशराइज करते आपको कि आप वही करो जो आपने पिछले टेक में किया है। आप अगर आप अपने डायरेक्टर अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो, इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल इन डूइंग द सेम थिंग मैकेनिकली ओवर एंड ओवर अगेन, आपको लग रहा है कि अब बहुत मैकेनिकल हो रहा है, मैं बार बार वही उसी डायलॉग पे सिप ले रहा हूँ या बार बार उसी डायलॉग पे कप रख रहा हूँ और नेचुरल नहीं आ रहा है, तो आप डायरेक्टर से बात कर लो कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि अगर मैं इसको अलग तरीके से करूँ तो मैं आई विल फील मोर नेचुरल। अगर आपका डायरेक्टर अलाउ करता है तो यू कैन डू दैट, अगर नहीं इफ योर डायरेक्टर सेज नो आई नीड इट प्रिसाइज कि मुझे वही चाहिए, आप उस पे रखो उसका एक मतलब है, तो देन यू हैव टू ट्रस्ट, देन यू हैव टू ट्रस्ट योर डायरेक्टर, देन यू हैव टू ट्रस्ट योर एडिटर कि ये लोग जो कह रहे हैं तो इनके दिमाग में कुछ तो होगा, तो आप उस पर ट्रस्ट करो उस पे, मतलब मेंटली आप वो मत सोचना कि अरे ये लोग को कुछ नहीं आता है यार, ऐसा थोड़ी होता है, हर सीन में क्या वही है ऐसे करना है, ऐसा थोड़ी होता है, मुझे कुछ जो मन होगा मैं वो करूंगा, अरे वो एक्टर को देखो वो तो हर बार अलग अलग करता है, तो ये सब मत करना कि ये सब चीजें मत करना, जो आपको बोला जाए उतना ही करो, दैट इज द बेस्ट थिंग फॉर एवरीवन। क्योंकि अब इसका रीजन मैं बता देता हूँ, इसका रीजन है वेरी सिंपल, कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी एक चीज होती है फिल्म में कि हमने एक सीन को मान लो 4 शॉट में शूट किया है, राइट, वी हैव 4 शॉट्स ऑफ अ सीन, एक मेरा फ्रंटल से मेरा शूट किया हुआ, एक मेरे बैक से है, एक मेरे दोनों साइड से, मान लो जस्ट अ वेग एग्जांपल कि एक सीन को हमने 4 तरह एंगल से शूट किया है,
अब जब वो एडिट होगा तो ये चारों एंगल कभी भी लग सकते हैं, कभी इधर वाला एंगल लग सकता है, कभी इधर वाला एंगल लग सकता है। अगर आप हर टेक में अलग अलग चीजें करोगे तो जब एडिट पे एडिटर जब उसको एडिट करेगा तो उसको एक कंटिन्यूटी जर्क मिलेगा। मतलब अगर मैं सामने वाले शॉट पे मैं ऐसे करके बैठा हुआ हूँ और जब कैमरा साइड में आ रहा है तो मैं ऐसे करके बैठा हूँ, मेरा हाथ नीचे आ गया, तो जब आप एडिट होके वो सीन देखोगे तो आपको खुद ही जर्क लगेगा कि ये क्या हो गया, ये एक्टर अभी ऐसे बैठा है और इंस्टेंटली मतलब विदाउट इवन अ सेकेंड कट लगा और उसका हाथ ऐसे आ गया, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो आपको सिनेमा से बाहर निकाल देता है अगर ऑडियंस ने वो नोटिस कर लिया। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको सीन से बाहर निकाल देती है या स्टोरी से बाहर निकाल देती है। तो इसको हम लोग बोलते हैं जर्क्स, विजुअल जर्क्स होते हैं, साउंड का जर्क होता है और बहुत तरह के जर्क होते हैं, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा सब कुछ। तो ये सब ये जर्क्स होते हैं, कंटिन्यूटी जर्क्स होते हैं। तो इसलिए एक्टर को बोला जाता है कि हर बार आप वो करो, अगर आप कर सकते हो तो ट्राई टू बी एज प्रिसाइज एज पॉसिबल कि आप हर बार सेम एक्शन पे सेम डायलॉग पे सेम करो ताकि एडिटर को वो एक स्मूथ सीन बनाने में ईज रहे कि आप आराम से निकाल दो एक सीन, वरना बहुत बस सब जर्क 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 हो जाएगा और आप कहोगे यार ये तो पहले मुझे बता दिया होता। मतलब वो आप अगर मान लो आप लड़ भिड़ के डायरेक्टर से आपने कर दिया और फिर आप खुद ही ऑडियंस में बैठ के देखोगे जब उनको कहोगे देखोगे कि यार वो सही कह रहा था, इवन ये चीज ना ऐसा नहीं स्टेज कर पे भी सकता। होती है, थिएटर में भी होती है कि फ्लो बनाने के लिए आपको एक कंटिन्यूटी ऑफ एक्शन तो चाहिए ही होती है, जो आपस में कनेक्टेड होती है, निटेड होती है, वो तो हम थिएटर में भी वही चीज प्रैक्टिस करते हैं। ऐसे नहीं होता ना कि एकदम से किसी इमोशन को भी जैसे हम लेकर जाते हैं, किसी एक्शन को भी लेकर जाते हैं, तो उसको पहले बिल्डअप करते जाते हैं और फिर उसमें लेकर जाते हैं, तो वो अदरवाइज क्या होता है कि एक खट लगता है और फिर एकदम दूसरे में जंप करता, तो वो दर्शकों को भी लगता है और आपको लगता है वो परफॉर्म करते हुए, और वही फिल्म में देखते हुए लगता है, सेम चीज हो जाती है ना। तो अभी मुझे लगता है हमारे सारे इधर डेलाइट के क्वेश्चंस मेरे ख्याल से ओवर हो गए क्या, एक बार चेक कर लूं किसी का कुछ छूट ना जाए बस, क्योंकि बाद में मेरे को शिकायतें आती है कि हमारा क्वेश्चन छूट गया, तो एक बार मैं चेक कर लेती हूँ हर। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका, इतना वक्त अरे निकाला मुझे आपने, और क्या कहते हम तो चाहेंगे आप दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें इस फील्ड में, थैंक यू। और है ना, और हमारे मेरे ख्याल से अब रियली गुड सेशन, अब तारीफों के फूल आने शुरू हो गए हैं ये एक्शन का रिएक्शन है इन रियलिटी, यू नो जो कुछ आपने ज्ञान दिया उसका ये रिएक्शन आ रहा है, तो मुझे लगता है और क्वेश्चन शायद मेरे से कोई छूटा नहीं है, बीच में वो कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया तो उसमें हो गया वो, तो आई कांट से, बट लगता, तो मैं अब ये चाहूंगी कि कैमरे के पीछे का हर्ष गुप्ता हमारे थिएटर की ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहें, थिएटर की ऑडियंस को। हम थिएटर के हैं और जो कि फ्यूचर एस्पायरेंट्स फॉर फिल्म्स, फ्यूचर ऑब्वियसली अभी थिएटर के ही है ज्यादातर इसमें, और उसके बाद फ्यूचर एस्पायरेंट्स फॉर FTII, वेदर दैट इज एक्टिंग, डायरेक्शन और एनी अदर टेक्निकल, सिनेमाटोग्राफर और एनी अदर टेक्निकल भी, तैयारी के, मेरा है कि तैयारी के पॉइंट ऑफ व्यू से समझ समझ गया मैं। ओके रहे बता। हो जी। हाँ तो देखिए अब इसमें मेरा पर्सनल ओपिनियन है कुछ, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जो मैं कह रहा हूँ वही करना है ऐसा जरूरी नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप फिल्म्स या थिएटर परस्यू कर रहे हैं तो वो जो एक बात बोलते हैं ना कि ऑनेस्टी, आर्ट के लिए ऑनेस्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो सच में है, एज अ ट्रू है कि अगर आप खुद से ही खुद के प्रति ऑनेस्ट नहीं है, आपको पता नहीं है कि आप ये जो कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो बहुत दिक्कतें आ जाएंगी आगे चल के। क्योंकि अगर आपका पर्पस क्लियर नहीं होगा, अगर आपका
ये आर्ट परस्यू करने का, फिल्म थिएटर परस्यू करने का पर्पस क्लियर नहीं होगा या पर्पस सही नहीं होगा, सच्चा नहीं होगा, तो बहुत ही प्रॉब्लम आएगी, आपको खुद को मोटिवेटेड रहने में प्रॉब्लम आएगी। सेकेंडली, मुझे मेरा मानना है कि आप फिल्म्स एंड थिएटर अगर कोई करना चाहता है या कर रहा है और आगे बढ़ना चाहता है उसमें या स्विच करना चाहता है, तो यू हैव टू बी अ फैनेटिक, मतलब पागल होना चाहिए उसके लिए, ये ऐसा मेरा मानना है। मतलब बहुत मेरे आसपास बहुत लोग हैं जो उतना नहीं, मतलब मेरे बैचमेट्स हैं जो कोई फिल्म विल्म नहीं देखता है, शायद ही बहुत कम फिल्म देखते हैं वो लोग, थिएटर में भी फिल्म नहीं देखते। और तो इंस्टाग्राम ने भी बोल दिया कि कितना बोलेगा यार, चल। हाँ, इंस्टाग्राम ने भी बोल दिया कि जा यार, कितना बोल रहा है। वाला हम नहीं बोल रहे। क्या बोल रहा था? हाँ, तो मेरा तो मैं क्या कह रहा था, हाँ कि हाँ कि मेरा मानना है कि इफ यू वांट टू परस्यू आर्ट, इफ यू वांट टू परस्यू फिल्म्स इन एनी फील्ड, बी इट टेक्निकल फील्ड या डायरेक्शन या एक्टिंग एनीथिंग या थिएटर, तो यू हैव टू बी अ फैनेटिक। आपको सोते जागते आप उसकी बातें करो, आप उसके बारे में सोचो, तो आप, मुझे लगता है कि वो एक ट्रू आर्ट की तरफ आदमी जा रहा होता है। अगर अदरवाइज अगर वो आप दिन भर सोच रहे हो कि मैं पैसा कैसे कमाऊंगा या मैं ये कैसे मैं ये कर लूं, तो फिर मैं ये बिजनेस डाल दूंगा और फिर उसके बाद मैं एक मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट खोलूंगा और उसके बाद, तो मुश्किल है थोड़ी। मतलब मेरे हिसाब से लोग करते हैं, ऐसा भी करने में कोई बुराई नहीं, कर अगर आप ये करके कर सकते हो अच्छा काम तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं जानता हूँ मेरे बैचमेट्स भी ऐसे बहुत हैं जो बहुत ज्यादा फिल्म्स नहीं देखते, बहुत ज्यादा पढ़ते नहीं हैं फिल्म्स के बारे में, या उनको बहुत ज्यादा पता नहीं है वर्ल्ड सिनेमा के बारे में या इंडियन सिनेमा के बारे में भी। तो मगर वो भी अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये मेरा कहना है, मेरा मानना है, ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अगर आपको सिनेमा में बहुत ज्यादा उसकी नॉलेज नहीं है, बहुत ज्यादा आप देख नहीं सकते, दिन भर आप सिनेमा नहीं देख सकते, आपको फिल्म्स के बारे में मतलब आपको सिर्फ एक तरह कुछ टाइप की फिल्में पर देखना पसंद है, आप वर्ल्ड सिनेमा नहीं देखना अच्छा लगता, आपको दूसरे लैंग्वेज का सिनेमा देखना अच्छा नहीं लगता, तो ये भी कोई वो ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं देखते हो या आपको नहीं पता है तो आप कुछ कर नहीं सकते, ऐसा नहीं है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप जानते हो आसपास के आपके जो एटलीस्ट इंडियन सिनेमा, इंडियन रीजनल सिनेमाज, साउथ इंडिया में इतना अच्छा सिनेमा बनता है, मराठी सिनेमा, बंगाली सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा तो बहुत ही बड़ी चीज है, हर लैंग्वेज में फिल्म्स बनती हैं, बहुत ही बेहतरीन डायरेक्टर्स हैं, तो आप इतना कुछ है ना दुनिया में देखने को, समझने को सिर्फ आर्ट में, कि एक लाइफ टाइम तो कम है उसके लिए, बहुत मल्टीपल लाइफ टाइम्स भी कम है, तो आप अच्छी चीजें देखिए। मेरा ये मानना है कि आप अच्छा सिनेमा देखो, थिएटर कर रहे हो तो अच्छे प्लेस जो आप पढ़ सकते हैं, जो देख सकते हैं वो देखो। एक चीज जो मुझे बहुत बाद में समझ में आई वो ये है कि पहले मैं सोचता था कि जितना देख सकूँ, जितना ज्यादा कर सकूँ उतना अच्छा है, तो मैं कुछ भी फिल्म्स देख लेता था पहले, कुछ भी जो भी आ रही है मार्केट में हर फिल्म देखता था मैं, सड़ी से सड़ी, बकवास से बकवास फिल्म मैं देखता था और पूरे इंटरेस्ट के साथ देखता था। फिर मुझे समझ में आया कि नहीं, आपका टाइम लिमिटेड है, लाइफ आपकी लिमिटेड है, टाइम लिमिटेड है, तो आपको आप टाइम जो है आपके पास वो आप अच्छा देखने में इस्तेमाल करो, और अगर आपके सिर्फ आप अच्छा कंज्यूम करोगे तो आपकी सोच भी डेवलप होती है, तो आप ट्राई करिए कि जो मीडियोकर सिनेमा है, जो कुछ
सेंसलेस सिनेमा है उसको थोड़ा कम देखें, मीनिंगफुल सिनेमा भले आपको बोरिंग लगता हो शुरू में, बोरिंग लगता हो या दूसरे लैंग्वेज का सिनेमा हो, राइट, फॉरेन लैंग्वेज सिनेमा हो, तो उसको कुछ भी करके आप सबटाइटल के साथ देखो, किसी भी तरह से देखो, भले कुछ नहीं आ रहा, कुछ नहीं करना, मतलब समझ में भी नहीं आ रहा तो फिर भी देखो, देखने की हैबिट डाल लो, पेशेंस लेवल डेवलप करना पड़ेगा आज के टाइम पे तो, मतलब मेरे जनरेशन में, मेरे जनरेशन के नीचे भी तो बहुत ही ज्यादा अटेंशन लेवल, अटेंशन स्पैन और पेशेंस का बहुत प्रॉब्लम है, मतलब हम लोग हाँ 5 मिनट देखते हैं किसी फिल्म को और बोलते हैं बकवास है छोड़ो नेक्स्ट, नेटफ्लिक्स पे देख रहे होते हैं, 5 मिनट देखते हैं, आधे घंटा देखते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं यार बकवास है, बोरिंग है, हो सकता है कि आपको, हो सकता है कि उस फिल्म का पर्पस ही आपको 5 मिनट बोर करना रहा हो, हाँ, तो वो पेशेंस लेवल डेवलप करने की बात है आपको, एक ये सब चीजें, ये भी एक प्रैक्टिस है, तो धीरे धीरे करके आप ये सब प्रैक्टिस डेवलप करिए कि अच्छा सिनेमा देखना, अच्छा लिटरेचर पढ़ना, अच्छा आर्ट देख, आर्ट कंज्यूम करिए, तो ये सब क्या है कि सब जब चीजें जुड़ेंगी, अच्छा म्यूजिक सुनना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो ये सब चीजें जब एक साथ कोलैबोरेट होंगी तो आपके अंदर के आर्टिस्ट को और मैच्योर करेंगी और आपको एज अ पर्सन भी बहुत मैच्योर करेंगी, एज अ ह्यूमन बीइंग आपको अच्छा बनाएंगी 100%। मेरा ये मानना है कि आर्ट आपको एक अच्छा इंसान बनाता है और एक अच्छा इंसान ही अच्छा आर्टिस्ट हो सकता है, विदाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट बी, विदाउट बीइंग अ गुड ह्यूमन बीइंग यू कैन नॉट बी अ गुड आर्टिस्ट। एंड तो पहला हमारा टारगेट जो होना चाहिए लाइफ में, आई थिंक सबका, आर्टिस्ट का एटलीस्ट जो आर्ट परस्यू करना चाहते हैं, वो ये होना चाहिए कि टेस्ट करते रहना चाहिए खुद को कि यार मैं अच्छा इंसान हूँ कि नहीं, वो भी ये सवाल पूछना चाहिए अपने आप से कि मैं एम आई अ गुड पर्सन, क्या मुझे दूसरों की तकलीफ से तकलीफ होती है, या मैं क्या कुछ चीजें, कुछ इमोशंस फील कर पाता हूँ कि नहीं कर पाता हूँ, तो वो सब, ये सब सवाल कॉन्स्टेंटली खुद से पूछना, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी है, ऑनेस्टी, सेल्फ ऑनेस्टी सेल्फ के प्रति बहुत इम्पोर्टेंट है, तो सब चीजों का फैक्टर है आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनाने के लिए, ये सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं, और सेल्फ के ऊपर तो बहुत काम कर रहे हैं लोग, सेल्फ के ऊपर इतना काम हो रहा है इन पर्टिकुलरली एक्टिंग में, तो लोगों को अभी समझ में आ गया है कि सब कुछ जो है वो अंदर ही है, तो उस पर तो बहुत काम हो रहा है, तो और मैं उसका बोलने के लिए करेक्ट आदमी नहीं, तो ये सब है, और थोड़ा अड़वंगी होना चाहिए आर्टिस्ट को, ऐसा मुझे लगता है। चलिए आज का बहुत अच्छा रहा सेशन, और इट वाज अ डिफरेंट ऑल टुगेदर, क्योंकि मेरा खुद का अपना एरिया थिएटर का ही है, तो और थिएटर वालों से ही आप इंटरेक्ट कर रहे थे, वो जो कि फिल्म वगैरह के लिए सपने देखते हैं, तो इसलिए थोड़ा डिफरेंट भी था और अच्छा भी लगा, क्योंकि हमेशा डिफरेंट चीजें जो होती है कुछ ना कुछ नया देकर ही जाती है आपको, तो बहुत अच्छा लगा। और मेरी तरफ से सब हमारे जो भी सुनने वाले हैं अब तक, शुरू से आखिर तक, अब तक जितने आए, बढ़े कम हुए वो मैं देखती जा रही थी मीटर, तो उन सबकी तरफ से, फिर अविघ्न थिएटर ग्रुप की तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और बेस्ट विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर, और होप करते हैं कि आपकी मूवीज भी हम आएंगी और हम देखेंगे जितनी जल्दी से जल्दी हो सके, ये लॉकडाउन खुले, आप लोग काम में लगो, अच्छी अच्छी मूवीज बनाओ और हम लोग देखें, क्या पता कल को हम भी मोटिवेट हो जाए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, 10:45 बज गया, मुझे बिल्कुल भी टाइम का अंदाजा नहीं लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आप लोगों से बात करके, और होपफुली अगर आप फिर भी दोबारा भी कभी करना होगा तो डेफिनेटली आई लुक ओवर टू इट, एंड थैंक्स अ लॉट, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, थैंक यू एंड बेस्ट विशेस टू ऑल।